कवि के शनाख्त से मैं जाना जाता हूँ और मेरे पूर्वज एक कवि रहे जिनका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र विशुमंध विनोद और सारी इतिहास में आया है मेरा महाराजा इंटर कॉलेज है मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ मेरे पिता ने सिक्स क्लास में वहाँ पढ़ने भेजा किसी दूर स्कूल या कहीं और नहीं भेजा कॉन्वेंट में इस एक नज़ीर के लिए कि सामान्य जनता को भी यह रहे कि मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता है जहाँ आपका बच्चा पढ़ता है हम सब लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए भारत के संविधान में इस लोकतंत्र तो में विश्वास करने वाले लोग हैं मेरे पूर्वज राजा थे मैं इसको स्वीकार करता हूँ उनकी दी हुई थाती को संजो के रखे हूँ अयोध्या में रहते हैं ये सब ठीक है लेकिन हम कहाँ के राजा हैं मुझे लगा कि हिंदी में दस्तावेजीकरण क्यों नहीं होता नहीं। हम अंग्रेजी पे ही डिपेंड क्यों करें या सन 1960 में अंतिम में ई जोशी बना के निकल जाती हैं ना गजेटियर उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ तो लाओ मैं करता हूँ जो शहनामा फैजाबाद है या अयोध्या है उसमें मैंने सारी मान्यताएं लिख दी स्कंद पुराण ये बताता है गजेतियर ये बताता है परंपरा में ये व्याप्त है और वर्तमान में ये स्थिति है विष्णु जी ने गा के सुनाया अभंग गा के सुनाया तबला बजा के और कुंवर नारायण जी और भारती जी बैठे थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात है दिल्ली की और हम लोग चाय पी रहे थे सबसे खतरनाक बात होती थी जब भारत क्रिकेट हार जाता था और अगर सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो लता जी का दुख जो है वो पारावार नहीं उसका मैं क्रमिक पुस्तक मालिका संगीत के नहीं लिख रहा हूँ उसके लिए विश्व दिगंबर पुलुस्कर विश्व नारायण भातखंडे हैं आप जाओ उनके शास्त्रीय राग की रागदारी सीखो मैं एक रसिक के तौर पे बात कर रहा हूँ आपको उस आस्वाद में आनंद आए तो ठीक है नहीं तो श्वांता सु, 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 वो सुखाए रघुनाथ गाथा है ये सब मेरे एजेंडे में शामिल नहीं है कि मैं कितना कवि माना जा रहा हूँ कितना क्रॉनिकलर माना जा रहा हूँ कितना संगीत का जानकार माना जा रहा हूँ या सबका मिला के घाल कुछ नहीं माना जा रहा हूँ ये सब समय पे छोड़ देना चाहिए जिन्होंने मुझे गढ़ा है जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो नहीं है आज वो नहीं है तो फिर सब बेमानी लगता है वो छूट गया है नमस्कार स्वागत है आपका संगत में मेरा नाम है अंजुम शर्मा आज हम जिस शहर में हैं वो श्री राम की नगरी है एक ऐसा शहर जो अवध नवाबकालीन शासन व्यवस्था और संस्कृति का प्रवेश द्वार है एक ऐसा शहर जहाँ मीर हसन और मीर गुलाम हसन जैसे शायर हुए जहाँ पर श्यामा प्रसाद प्रदीप और महात्मा हरगोविंद जैसे पत्रकारिता के स्तंभ हुए एक ऐसा शहर जिसने बेगम अख्तर की मुर्खियों में अंगड़ाई लेना सीखा अयोध्या और अयोध्या में इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं वो है राज सदन सदन में हम इसलिए हैं क्योंकि जिस लेखक के साथ आज संगत में बातचीत होने वाली है उन्होंने न केवल कविताएं लिखीं बल्कि बहुत सी बायोग्राफ़ीज़ लिखीं और अयोध्या के ऊपर एक क्रॉनिकलर के तौर पर काम किया एक ऐसा काम जिसको देखकर आप अयोध्या को फैज़ाबाद को पहचान सकते हैं मूलतः कवि हैं केड़ी पर आलाप यदाकदा विभास जैसी उनके कविता संग्रह हैं इसके अलावा की बारादरी जो उस्ताद बिसमिल्ल् खां के ऊपर एक उनकी पूरी किताब है इसके अलावा बेगम अख्तर पर अख्तरी खासी लोकप्रिय किताब है इसके अलावा अपने लेखन में उरूज पर पहुँचे उस किताब का नाम है लता सुर गाथा यतीन्द्र मिश्र बहुत बहुत स्वागत है यतेंद्र जी संगत में राज सदन में हम लोग हैं सबसे पहले तो मुझे इसी राज सदन के बारे में कुछ बताइए क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूँ इस ज़मीन के बारे में जानने के लिए ख़ास तौर पर जहाँ बैठे हैं शहर के बारे में हम बाद में बात करेंगे सबसे पहले तो अंजुम आपका और हिंदीवी की टीम का स्वागत है अयोध्या में आ, हम लोग अवध के लोग हैं अवधवासी हैं तो अपने अतिथि का बहुत सम्मान करते हैं जैसा कि हर शहर में सब लोग करते हम हैं हम लोगों ने देखा पिछले कुछ समय से जिस हिसाब से हुआ और आ, मैं अपने बारे में क्या कहूँ ये रासदन मेरा घर है मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ और डेढ़ सौ साल पहले हमारा ये घर बना आ, मेरे पूर्वज आ, मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के फादर महाराज ददुआ प्रताप नारायण सिंह जी ने बनाया ददुआ एक कोलक्यल वर्ड है अवधि का बहुत दान देने वाला बहुत दयालु तो वो यहाँ पे प्रचलित रहा और अयोध्या राज्य परिवार में जन्म लिया मैंने उसकी सातवीं पीढ़ी का वंशज हूँ इतना ही <laughs> रितिमुक्त कवि द्विजदेव जब उनका जिक्र आता है तो हम उनको आम तौर पर जो हिंदी साहित्य जिन्होंने पढ़ा है वो रीतिमुक्त कवि के तौर पर हम उनको जानते हैं लेकिन आपसे उनका खासा संबंध है आपके वो आ, मेरे आ, जो महाराज ददुआ जिनकी मैंने बात की उनके फादर थे उनके फादर थे तो वो मुझसे छः पीढ़ी पहले हुए और उसी परंपरा में मैं हूँ अच्छी बात यह है कि एक कवि की शनाख्त से मैं जाना जाता हूँ और मेरे पूर्वज एक कवि रहे जिनका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र विश्वबंधु विनोद और सारी इतिहास में आया है ठीक से आया है जयप्रसाद द्विवेदी जी ने किया है उनका एक ग्रंथ था श्रृंगार लतिका सौरभ जो उन्होंने कृष्ण और राधा के संदर्भ में उनकी उपासना के संदर्भ में बहुत सारे पद लिखे वो कविता की धारा ही उस जमाने में वैसी थी जो कहा जाता था कि आगे के कवि रिजी हैं तो, तो कविता ही नहीं तो राधिका कन्हहाई सुबिरन को बहानों है तो वो उस तरह का काम था और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे घर में ऐसी परंपरा में मैंने जन्म लिया और आप अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा आपका जुड़ाव रहा आपकी कविताओं की पूरी श्रृंखला एक आपने दादी को समर्पित की है उनके बारे में कुछ बताइए क्योंकि उनके नाम से आपने एक ट्रस्ट भी खुला जी आ, मेरी दादी जब रियासत थी तो वो आखिरी मतलब वो अकेली वंशज थी मेरी दादी हम लोगों ने एक तरह से ननिहाल में जन्म लिया क्योंकि दादी इकलौती थी आज़ादी के समय तक राजकुमारी थी और उनकी शादी दरभंगा में मेरे बाबा थे उस समय के एम बी ऑनर्स थे उनसे डॉक्टर थे उनसे शादी हुई उनका बहुत बड़ा प्रभाव है मेरे जीवन पे वो एक तरीके से समझ लीजिए कि जो एक मेरा मानस बना है जो मेरा व्यक्तित्व तो बना है और मैं बहुत छोटा था दादाजी नहीं रहे तो दादी के पास ही मैं सोता था जब वो विडो हुई बहुत भक्ति भक्तिपरायण महिला भजन गाने वाली पूजा उपासना करने वाली तो गाने सुनते हुए मेरा बचपन उनकी लोरी सुनते हुए बीता है वो बहुत सारे गाने गाती थी सोमवार को कीर्तन करती थी देवता के आगे बैठ कर के और मैं ढोलक बजाती थी जब वो प्रिंसेस थी तो बेगम अख्तर साहिबा से उन्होंने कुछ ठुमरी दादरे सीखे थे तो मुझे लगता है कि वो एक संस्कार पड़ा मेरे मन में दादी की सादगी उनका संगीत उनके द्वारा दी गई सीखें जैसे कि घर हर घर में दादी नानियों का होता है संयुक्त परिवार में जन्मा हूँ तो संयुक्त परिवार का अपना एक अलग अप्रोच होता है उसमें आपको तमाम रिश्ते मिलते हैं मेरी आ, मुझे आगे बढ़ाने में मेरी माँ और पिता के अलावा मेरी बुआओं का बहुत योगदान रहा तो वो स्मृति थी और जब वो वो बहुत अच्छा गाती थी तो एक दौर में फोर्टीज़ में एच कंपनी ने हर घरों में जा कर के जहाँ पर अच्छी गायिकाएँ थीं सबके रिकॉर्ड बनाने चाहे थे नैना देवी जी का ऐसा रिकॉर्ड बना तमाम लोगों का बना मेरी दादी के पास भी आए थे ऐसा वो बताती थी लेकिन उस दौर में रशाही थी तो दादाजी को जो उनके पिता थे राजा साहब राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह उनको शायद उस समय उचित नहीं लगा क्योंकि वो एक ऐसा दौर था देश आज़ाद हो रहा था रियासतें जा रही थी तो उनको लगा कि अगर कल कोई इसका रिकॉर्ड बनेगा गाना गाएगी तो लोगों को ये ना लगे कि संगीत अपनी बेटी इतने इतने ख़राब दिन आ गए कि बेटी की आवाज़ को उनको जो है उसका बाजार करना पड़ रहा है तो उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी कि तुम्हारा रिकॉर्ड बने जैसे पहले ज़माने में होता था वो मान गई लेकिन वो एक खालिश थी उनके मन में जो मुझे महसूस होती थी और धीरे धीरे मैं बहुत उनके नज़दीक आता गया अपने किशोरावस्था में तो जब वो नहीं रही उनकी डेथ के पहले तो उन्होंने मुझसे एक वचन लिया था अपनी मृत्युशया पर उन्होंने कहा बेटा संगीत की कलाकारों की बहुत सेवा करना उनका सम्मान करना जो सेवा मैं नहीं कर पाई वो तुम करना आ, वो जब नहीं रही मैं 20 साल का था बहुत छोटी सी उम्र होती है दादी के प्रभाव में बीता हुआ बचपन उसने कहीं से प्रेरणा दी कि मैं उनके नाम का ट्रस्ट बनाऊं और संगीतकारों का सम्मान करूं, उनको बुला करके उनके यहाँ पे फंक्शंस करूं और उनके नाम पे फिर मैंने विमला देवी सम्मान देना शुरू किया जो बहुत सारे बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञों को मिला गिरजा देवी जी उस ट्रस्ट में थी विद्यानिवास जी थे कुंवर नारायण जी थे तो मुझे लगता है कि वो एक कहीं से एक बात थी मन में आज भी जो मैं लिखता पढ़ता हूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे हर समय मुझे अपनी दादी अपनी बुआ याद आती है मेरी एक मंझली बुआ ज्वलंती बुआ जिन्होंने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि तुम साहित्य और कलाओं के लिए ही बने हो उसमें क्यों नहीं लिखते हो तुम इतना अच्छा लिखते हो मैं डॉक्टर बनना चाहता था हमारे यहाँ परम्परा रही मेरे दादाजी डॉक्टर मेरे उनके छोटे भाई डॉक्टर मेरी माँ के तरफ सारे मामा लोग इंग्लैंड अमेरिका में डॉक्टर हैं सब डॉक्टरों का परिवार था राज परिवार से अलग जो और एक्सटेंडेड फैमिली थी तो मन में था कि मैं डॉक्टर बनूँ मेरी साइंस का ग्रेजुएशन है माइक्रोबायोलॉजी में फिर माइक्रोबायोलॉजी में मैं एमएससी कर रहा था लेकिन मेरा मन उचटने लगा था नहीं अयोध्या से फैज़ाबाद से आवाज़ हाँ। यूनिवर्सिटी से फिर मेरा मन उचटने लगा था तो लिखने पढ़ने लगा था फिर मैंने एमएससी आधे में छोड़ी और फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी गया और मैंने एम किया लिटरेचर में हिंदी में फिर पी की तो पढ़ाई भी ऐसे ही हुई कि डॉक्टरी करने के संदर्भ में मैं मैंने कोचिंग वोचिंग की थी मेरा हुआ नहीं था सिलेक्शन और मैं फिर साहित्य में रम गया यहाँ यहाँ एक सवाल एक रोक रहा हूँ बीच में जब आप एम एस सी छोड़ कर एम ए लिटरेचर करने के लिए जा रहे थे तो पिता या माँ की तरफ से कोई दबाव नहीं था कभी नहीं रहा और ये बहुत इस बात में अपने को टचवुड सौभाग्यशाली मानता हूँ मेरे पिता ने मुझे सहूलियत दी कि तुम जो करना चाहते हो करो तुम्हें राजनीति में जाना है तुम राजनीति में जाके भाग आगमाओ तुम्हें बिजनेस करना है बिज़नेस करो तुम्हें सर्विस करनी है सर्विस करो पढ़ाई पूरी करो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और मैं एक बात कहूँगा राजपरिवार में जन्मा कई बार लोग सवाल करते हैं परिवार को लेकर मेरे पूर्वज बहुत पढ़ते लिखते थे और बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती थी वो सब मैंने इनहेरिट की तो पढ़ने का संस्कार था और बचपन से ही देखा है तमाम तरह के लोग समाज के आने जाने वाले मिलने वाले और जिसे एक शुरफा या अलीट क्लास कहते हैं उस लेकिन जब कोई विद्वान आता था जब कोई किसी कला का महारथी आता था तो उसकी जिस तरह से स्वागत होती थी जिस तरह से उसको पूजा जाता था तो मेरे मन में दिमाग में कहीं किशोरावस्था में बैठ गया कि बड़े लोग कुछ और होते ये वो लोग होते हैं जो अपने हुनर से कुछ पैदा करते हैं और जब मैंने लेखक बनना पसंद किया या मैंने हिम्मत की हालांकि ये 25 साल पुरानी बात है वो एक जनरेशन गैप का मामला है आज नहीं है आज तो लेखन में आप जाएं सिनेमा में जाएं म्यूज़िक में जाएं वो बहुत आपका बहुत आ, स्वागत किया जाता है परिवारों में भी स्वागत होता है वो थोड़ा सा वैसा वो था दूसरे लोग मित्र यार दूर के रिश्तेदार ज़रूर टोकते थे कि क्या कर रहा है क्योंकि तो मैं एक लड़का था अपने फादर का मेरी छोटी बहन है तो कभी ये नहीं हुआ कभी वो Uh, कभी कोई दबाव नहीं डाला गया कि आपको फला काम ही करना है मेरे पिता ये जरूर कहते थे कि बेटा अगर तुम्हें साहित्य लिखना है करना है खूब अच्छे से पढ़ो लिखो मेहनत करो अपने हुनर से अपने काम से अपने पढ़े के पढ़ने के समय से बेमानी मत करना तो ये इस, इस बात का मुझे बहुत मतलब है और पढ़ा भी कि दो साल का समय दिया था कि अगर कर पाए कुछ तो सही नहीं तो वापस आना वो वो नहीं वो ये कहते थे उनको लगता था पता नहीं बीस साल में मेरा कविता संग्रह आ गया था यदा कदा तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि तुम कुछ कर पाओ विद्यानिवास जी का आना जाना था विद्यानिवास जी मेरे गुरु पंडित विद्यानिवास मिश्र बनारस से तो वो परिवार में आते जाते थे मेरे साहित्यकार बनने से पहले दो लोगों का मेरे घर में बहुत प्रवेश था पारिवारिक रिश्ते थे पंडित जी से और कुंवर नारायण जी से कुंवर नारायण जी का अयोध्या में ही जन्म हुआ है बिल्कुल बगल में ही गोलाघाट मोहल्ला है वहाँ पे उनका लाल कोठी है जहाँ विष्णु नारायण जी के घर में जन्म लिया कुंवर जी ने तो वो दोनों तरह से एक मैंनेटरिंग में भी थे मेरे दोनों लोग तो विद्यानिवास जी को फिर मेरे फादर ने मेरी लिखी कविताएँताएँ भेजी और उन्होंने कहा कि ये लिख पढ़ रहा है कुछ करना चाहता है और साहित्य तो में ही आगे जाना चाहता है इसको करने दिया जाए तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ा उन्होंने तो उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा कर रहा है इसमें मेधा है इसको मौका दो आगे बढ़ने का तो और जब मुझे याद है कि जब मेरी पहली किताब का प्रकाशन हुआ उसके विमोचन में पंडित जी थे अध्यक्षता कर रहे थे तो लीलाध्वजगुड़ी जी मेरे पिताजी के मित्र थे तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में पहला ऐसा पिता देख रहा हूँ जो अपने बेटे को कभी होता हुआ देखते हुए खुश हो रहा है <laughs> तो आ, मुझे कभी नहीं लगा और हो सकता है उसके पीछे परिवार का भी सपोर्ट था कि ये जाहिर सी बात है इस इसको स्वीकारने में तो कोई बुराई नहीं है कि मुझे तुरंत आसन नौकरी करने की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी नहीं कि मुझे नहीं। उस तरह के स्ट्रगल करने हो लेकिन दूसरे तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर के अपने काम को लेकर तो स्ट्रगल होते हैं वो किया मैंने तो परिवार ने रोका हो ये कभी नहीं हुआ अच्छा जब आप कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे थे तब एक ये तो दोस्तों यारों के बीच में रहता हुआ ना अरे राज परिवार के से आते हैं ऐसा प्रिवलेज हैं और या बच्चे उस नज़र से तो दिखते ही होंगे ना कि ये हमसे कुछ तो अलग है कभी किसी ने इस तरह से तो नहीं देखा या हो सकता है ये मेरी परवरिश का मामला हो कि हमें इस तरह से ग्रूम अप नहीं किया गया इस तरह से बड़ा नहीं किया गया कि तुम इस तरह के परिवार के हाँ। सदस्य हो बहुत ही बल्कि मुझे लगता है कि हम पे ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा कड़ा अनुशासन रखा गया आ, जैसे मेरा महाराजा इंटर कॉलेज है मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ मेरे पिता ने सिक्स क्लास में वहाँ पढ़ने भेजा किसी दूर स्कूल या कहीं और नहीं भेजा कॉन्वेंट में इस एक नज़ीर के लिए कि सामान्य जनता को भी ये रहे कि मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता है जहाँ आपका बच्चा पढ़ता है और मैं पैदल जाता था और यहाँ से करीब डेढ़ दो किलोमीटर पे है स्कूल मेरे साथ एक आ, एक जाता था अटेंडेंट जो मेरे साथ रहता था आ, और मैं पैदल गया हूँ और पैदल आया हूँ घर में गाड़ियाँ थी लेकिन कभी गाड़ी से स्कूल नहीं गया तभी गाड़ी लेके गया हूँ जब बहुत पानी बरस रहा है या बहुत कोहरा पड़ रहा है ठंड है उस जमाने में तो से रेनी डे डेवे नहीं होते थे स्कूल में तो बहुत सामान्य ढंग से परवरिश हुई और तब आपने हाँ, शिकायत नहीं की कि हाँ, जब घर में सब कुछ है मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ एक, एक कड़ा अनुशासन था पिता हम लोग जिस पीढ़ी के लोग हैं अपने पिता से सवाल नहीं कर सकते।, कर सकते आज भी पापा बुला लेते हैं तो मुझे डर लग जाता है कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी और दोस्तों के साथ बैठा हूँ किसी कार्यक्रम में हूँ या शहर के बाहर हूँ अगर पापा का फ़ोन आ गया तो सब काम छोड़ के पहले वो अटेंड करना है और कभी उन्होंने डांटा नहीं कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया लेकिन वो एक 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 रौब एक अदब एक 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 तरीके से आ, मैं उसको कैसे समझाऊँ मतलब हमारे घर में और हम सब जॉइंट फैमिली थे तो हमारे बुआ के बच्चे भी साथ में थे तो हम सब पाँच सात भाई बहन साथ पढ़ते लिखते खेलते कूदते थे कभी इस तरह से नहीं हुआ कि मुझे महसूस हुआ हो कि मैं किसी मैं प्रिवलेज चाइल्ड हूँ खास करके फैमिली एस्पेक्ट पे कभी आ, दस रुपए मिलते थे सिक्स क्लास में आने के बाद पॉकेट मनी तो मैं और दोस्त लोग पचास रुपए लेके आते थे तो मैं ये एक बार मैंने टोका था <laughs> कि मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं तो पापा ने कहा तुम्हें जरूरत क्या है तुम्हें खाने को मिलता है तुम्हें कपड़े मिलते हैं अच्छे तुमको तुम्हें जूते चाहिए जूते मिलते हैं किताब कॉपी मिलती है अब किस चीज़ के लिए चाहिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उनका एक मैनेजर था उनको नोट करा दो बता दो तुम्हारे अगर वो घर से अगर वो पास हो जाएगा तो मिलेगा फिर जो वहाँ किस कॉलेज के प्रिंसिपल थे सुधांशु मिश्रा जी मैं उनको बहुत सम्मान से याद करता हूँ उन्होंने बहुत मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद की वो एक बहुत ही क्लोज आई रखते थे कि ये लड़का बिगड़े ना तो क्योंकि राज परिवार के साथ बच्चों के साथ ये भी होता कि कुछ ऐसी संगत ना पड़ जाए कि बिगाड़ दें या इसको चढ़ा दें कि अरे तुम्हें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फिर मैं अपने दादी का जितना सम्मान करता था उतना उनसे डरता था वो एक बड़ा भौला मासूम सा उनका चेहरा कम उम्र में वो विडो हुई थी उनकी वो सादगी देखना और जैसे उनकी निगाह ये लगता था कि वो मुझसे कुछ तो चाहती हैं कि मैं कुछ करूं घर ख़ानदान का नाम करूं मैं नहीं कर पाया तो मैं एक ऐसा एक एक वंचित जीवन न जीऊँ जिसमें यह हो कि जो मेरे पूर्वजों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया वो मैं नहीं कर पाया इसलिए नहीं कि मैं संगत में आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ मेरे आप कोई इंटरव्यू सुन लें पढ़ लें तो मैंने ये महसूस किया कि परिवार के प्रति एक जवाबदेही माता पिता के प्रति गुरुओं के प्रति जवाबदेही थी और इतने सामान्य ढंग से पालन पोषण हुआ है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे कभी आज भी नहीं महसूस होता कभी और मैं इस बात से बहुत परेशान भी होता हूँ आप भी जानते हैं अगर मुझे कोई इस परिवार के सदस्य के रूप में कहीं इंट्रोड्यूस करता है या कभी हंसी मजाक भी करता है तो मुझे लगता है यार इसकी क्या ज़रूरत है अगर आप मुझसे मुखातिब हैं मेरे पढ़ने लिखने से मुतासर हैं या उसको पसंद करते हैं तो आप उस पर बात करो और ये कि और हम लोग जिस जनरेशन के थे वो बड़ी पेरेंट्स से डरने वाली डांट खाने वाली पीढ़ी थी अगर स्कूल में कोई डांट पड़ गई तो ये डर लगा रहता था कि क्लास टीचर घर में शिकायत ना कर दे आज की तरह नहीं है कि पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाते हैं तब आप ही गलत है कि अगर आपके गुरु ने डांटा है घर में भी फिर आपकी शहमत आ जाती थी अभी जो आपने बात कही ना कि लोग मेरी आइडेंटिटी राज परिवार की क्यों बताते हैं मतलब जिस रूप में मिलना चाहिए उस रूप में मिलिए ना हाँ। मुझसे तो मुझे आपकी मशरे की पंक्तियाँ याद आ गई कि मेरे तमाम परिचित मित्र हितैषी कवि पत्रकार नेता और रिश्तेदार अक्सर उस रूप में नहीं मिलते जिनमें वास्तव में होते हैं मिलता हूँ आपसे मैं भी वैसे ही जैसे आप पूरी तरह आश्वस्त होते हैं तो <laughs> <laughs> आपने किस कविता को कहा ले जाके जोड़ा धन्यवाद आज <laughs> तो लेकिन हम दूसरे रूप में मिलेंगे नहीं नहीं हाँ। मैं ये नहीं कह रहा आज तो चलिए मैंने लिख पढ़ के थोड़े बहुत जो कुछ भी हासिल किया है ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है मैं मेरे को एक एक लेखक के बतौर बात करें या एक नागरिक के बतौर बात करें मैं उस समय की भी बात कर रहा हूँ जब मैं टीन एज में था जब मुझे ये, ये क्लियर नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है मुझे बिजनेस बनना है या मेरे अंदर यह कोई प्रतिभा है कि मैं लिखना पढ़ना शुरू कर दूँगा उस दौर में भी मुझे ये चीज़ थोड़ा परेशान करती थी और ये मेरी बात जाने दीजिए मैं क्या करूँ मेरे पिताजी वो हमेशा हर इंटरव्यू में कहते हैं सामान्य लोगों के बीच में पूरे समाज के बीच में बात करते हैं हम सब लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए भारत के संविधान में इस लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं मेरे पूर्वज राजा थे मैं इसको स्वीकार करता हूँ उनकी दी हुई थाती को संजो के रखे हूँ अयोध्या में रहते हैं ये सब ठीक है लेकिन हम कहाँ के राजा हैं या उसकी ज़रूरत क्या है दिल के राजा हैं आपसे मोहब्बत करते हैं आपके मित्र हैं यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि लोकतंत्र में आ, राजशाही का कोई महत्व है जिस जगह पर बैठे मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए एक सामान्य नागरिक एक बिल्कुल डाउन ट्रॉडन सोसाइटी से आने वाला व्यक्ति और यति रमिश दोनों के अधिकार बराबर हैं संविधान में और दोनों को अपने ढंग से जीने का अपनी अभिव्यक्ति का पूरी तरह से उसको एक नागरिकता हासिल है इसका सम्मान करना चाहिए बदलते हुए दौर के हिसाब से मेरे पूर्वजों ने उसको अंगीकार किया उसे स्वीकार किया मैं कौन होता हूँ और मैं तो सन सतहत्तर का पैदाइश हूँ देश आज़ादी के बाद देश आज़ादी के कितने साल बीत चुके हैं तो मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है और इस तरह के कनोटेशन्स में जो लोग पढ़ते हैं मुझे लगता है उनकी सोच वैसी होती होगी मुझे नहीं लगता हाँ यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे पूर्वजों का जो काम है और उनके दौर में जिस तरह से लोगों का सम्मान हुआ लाइब्रेरी बनी एजुकेशन सोसाइटी बनाई मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर ने जागर जगिका प्रताप नारायण सिंह एजुकेशन ट्रस्ट बनाया जिसके तहत एक इंटर कॉलेज एक डिग्री कॉलेज को ज़मीन दी सब चलता है वो चीज़ मुझे गौरवान्वित करती है मुझे लगता है कि उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया बेगम साहिबा का हमारे घर में आना जाना था बेहतरी की बात जब आप करेंगे तो मैं बताऊँगा कैसे उनका सम्मान होता था कैसे मेरी दादी उनकी कहानी सुनाती थी तो राज परिवार में जन्मने का एक फायदा यह भी है कि अगर मैं यहाँ न जन्मता और बेगम साहिबा यहाँ की दरबार गायिका एक दौर में ना रही होती मेरी दादी ने वो किस्से न सुनाए होते तो शायद मैं अख्तरी जैसी किताब नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता था।, था वो पर्सपेक्टिव नहीं ला सकता था सामने जो शायद कोई सामान्य लेखक नहीं ला सकता जिसको उस तरह के अनुभव नहीं है उसके घर में ऐसी घटना नहीं घटी मैं आऊँगा उस पर जी और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले टीन की बात हुई मैं वहाँ पर ये पूरा किस्सा ख़त्म करके थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँगा और लेखन की तरफ आऊँगा आपने टीन एज की बात की कि हम टीन एज में थे हमें उस समय उसने समझ नहीं थी और क्या चल रहा था उसी टीनेज में इसी जहाँ जिस जगह पर हम बैठे हैं एक भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घटती है उन्नीस सौ बानवे जी क्या यादें हैं बतौर टीनेजर आपके मन में उसकी बानवे की घटना के दौर में मैंने हाई स्कूल पास किया था एलेवेंथ में था मैं और मैं मैं ये समझ रहा हूँ कि राम मंदिर जो बन रहा है जी, जो ट्रस्ट है आपके पिताजी उसके उसके सदस्य हैं तो वो सारी जो आ, वो होती है वो तमाम चीजें आप मुझे लगता है कि उन सब बातों के लिए उसका सम्मान रखते हुए वो आप वो सब मैम डिस्कस करेंगे भी नहीं, आ, तो नहीं उसका मंच बिल्कुल ठीक बात है मुझे लगता है कि संगत वो मंच भी नहीं मंच भी नहीं और जहाँ तक मेरे से मेरी बात का मामला है आप मेरे लेखन से या मेरे रचना कर्म पे बात कर रहे हैं एक अयोध्या के नागरिक की हैसियत से मैं एलेवेंथ क्लास में पढ़ता था और जो टीन की उस समय की यादें हैं वही साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों के लिए मेरे पिताजी ज़्यादा बेहतर व्यक्ति होंगे जिनसे आप इंटरव्यू करें तो उस दौर की ज़्यादा बातें आपके सामने खुलेंगी और वो बेहतर ढंग से बता सकते हैं आपको अच्छा क्या उस घटना ने आपके लेखक होने पर असर डाला कुछ अयोध्या तथा अन्य कविताओं में कुछ कविताएँ हैं अयोध्या श्रृंखला कविताएँ हैं उसमें एक कविता है कि मैंने ये लिखा है कि इस तरह की कोई घटना होती है तो दोनों कम्युनिटी पे किस तरह का फ़र्क पड़ता, पड़ता है तो एक बैलेंस ढंग की कविता है कि उसमें हिंदुओं को कैसा महसूस होता है मुसलमानों को कैसा महसूस होता है और एक सामान्य आदमी अगर किसी तरह का हालांकि अयोध्या में दंगे नहीं हुए थे उस हुँ, दौरान हुँ। लेकिन एक इम्प्रेशन था और अयोध्या के और सारे आस्पेक्ट जो उसका एक सांस्कृतिक एक उसका पक्ष है उस पर भी मैंने कविताएँ लिखी तो वो कविताएं तो उसमें हैं और मुझे लगता है कि आप किसी भी घटना से प्रभावित हों या वो घटना आपके ऊपर कोई प्रभाव किसी तरह का कोई असर छोड़ जाए वो कब आपके लेखन में निकल के आएगी वो आप कह नहीं सकते क्योंकि कोई फॉर्मूला लेखन आप नहीं कर रहे होते हैं कम से कम मैं नहीं करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आज भी होती हैं तो मुझे लगता है मैं मुझसे बहुत लोग कहते भी हैं कि आप फेसबुक पे फला घटना पे आपने टिप्पणी नहीं की या ये नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं उस उस विशेष संदर्भ का ज्ञानी नहीं हूँ या मुझे उस सब्जेक्ट में उतना ज्ञान नहीं है तो मैं एक्सपर्ट की तरह कमेंट नहीं कर सकता नहीं। मैं मैंने इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन ये अनुशासन रखा कि जो मैं लिख सकता हूँ जो मैं कह सकता हूँ जो मैं अपने पाठकों को बता सकता हूँ और अपनी तरफ से आश्वस्त कर सकता हूँ कि हाँ ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप पढ़िए और इसको समझिए और ये ऑथेंटिक है प्रामाणिक है शोधपूर्ण है तर्कपूर्ण है उस तक जाइए मैं तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात नहीं कर पाता जहाँ मुझे लगता है कि मेरी उसमें गति नहीं है नहीं। या मैं उसका एक्सपर्ट नहीं, नहीं। इसको यहीं ख़त्म करते हैं और पहले कविता संग्रह पर आते हैं यदा कदा यदा कदा जब आया आपका अब आप उसको याद नहीं करते हैं अब बोलते हैं पहले कविता संग्रह पर उतनी बात होनी भी नहीं चाहिए जिस हिसाब से आप कहते हैं नहीं मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ अपने लिए नहीं कह अपने लिए ये मैं कह सकता हूँ जनरलाइज कथन नहीं है हाँ। ये आ, बहुत सारे कवियों का पहला कविता संग्रह ही बहुत शानदार है किसी किसी का एक ही संग्रह आया है तो बहुत सारे हिंदी में उर्दू में तमाम लोग हैं जिनका एक ही दीवान है एक ही संग्रह है तो उन सब के लिए तो मैं नहीं कह सकता मैंने खुद भी पढ़ा है आलोक धनवा जी का दुनिया रोज़ बनती है मुझे लगता है एक ही संग्रह है हाँ। लेकिन क्या कमाल का संग्रह है लेकिन मैं अपने संदर्भ में कहता हूँ कि मुझे लगता है कि वो जल्दी आया और उस पर अभी थोड़े और उसको माँजने की पॉलिश करने के लिए अठा बीस में नहीं उन्नीस बीस साल की उम्र से आया मुझे लगता है कि उसको मांझने की ज़रूरत थी थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत थी लेकिन हर अच्छाई में एक बुराई हर बुराई में एक अच्छाई छुपी होती है अगर मैं उसको ये मानूं कि उसको भूल जाना चाहिए लेकिन मैं इसलिए उसको याद रखना चाहूँगा कि 97 में वो जो संग्रह आया मेरी दादी बहुत खुश थी और 98 में उनको नहीं रही उनको कैंसर हो गया और उनका देहांत हुआ मेरा कुछ भी जीवन में बनते हुए उन्होंने नहीं देखा मैं आज जो हूँ अगर कोई दूसरी दुनिया है और वो मैं मानूँ कि वो स्वर्ग में है या उनको मोक्ष है वो देख रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि उनको मालूम है कि नहीं कि उनका पोता क्या कर रहा है जो उन्होंने वचन लिया था मुझसे कि कुछ करना लेकिन मुझे इस बात की बहुत गहरी आश्वस्ती है कि उन्होंने वो संग्रह देखा और वो पढ़ पाई और उसके बाद वो इस दुनिया से विदा हुई तो अगर उस संग्रह ने मेरी दादी को ये बता दिया कि तुम्हारा पोता कभी होने जा रहा है या अब ये लिखेगा पढ़ेगा और एक ही किताब देखा तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा पारितोषक है उस बात की बहुत आश्वस्ती है लेकिन एक कवि के तौर पे आ, मैं उसको अपने लेखन कर्म में बहुत काम का नहीं मानता कैसे खुद को उस कविता संग्रह के लिए अपने तैयार किया पहले तो ये क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं साहित्य के क्षेत्र में आपके पास गॉडफादर नहीं भी थे और दूसरी तरफ से देखें तो बहुत सारे लोग थे भी जी जो आपको एक तरीके से आगे बढ़ाने बढ़ा रहे थे या जिनकी आप मदद ले रहे थे जैसे विद्यानिवास मिश्र ने आपको खूब आप कहा कि ये पढ़िए ये पढ़िए थोड़ी देर पहले आप किस्सा सुना भी रहे थे कैसे उस संतुष्टि तक पहुँचे कि नहीं ये मुझे अब छपवा लेना चाहिए देखिए मुझे लगता है कि जीवन में एक उम्र होती है जब आपको लगता है कि आप आसमान से तारे तोड़ लाएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे और इससे बेहतर आपसे बेहतर कोई कुछ कर नहीं सकता वो बड़ी एक नाजुक बड़ी टेंडर सी उम्र होती है जिससे में एक रोमेंटिसिजम होता है अपने काम के प्रति हर लड़का आईने के आगे खड़ा होता है तो अप, अपने को उस दौर का सबसे बड़ा सुपरस्टार समझता है वो अपने बालों में कंगी करता है तो मैं भी उसी से गुजरा हूँ तो मुझे लगता था कि हाँ ये तो बड़ी मुकम्मल कविताएँ हैं बड़ी बेहतरीन कविताएँ हैं इसको तो छपना चाहिए विद्यानिवास जी इस रूप में मेंटर थे कि वो मुझे पढ़ाते थे मुझे बंधाते थे मैं बनारस बहुत दौड़ के जाता था और मुझे इस बात की खुशी है आज जो सांस्कृतिक लेखन है मेरा उसमें जो बहुत परंपरा के अनुभूजें हैं या जो भी मैं अयोध्या को समझ पाया हूँ या मैंने शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी पढ़ा है या गीत गोविंदम पढ़ा है या मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा है या कालिदास पढ़ा है तो वो उसके पीछे तो विद्यानिवास मिश्र है और तब वो मैंने जब देवोप्रिया की सोनल जी के साथ तो उन्होंने एक सवाल किया कि इस बात का रिग्रेट होता है तो उन्होंने कहा बेटा जिस समय आपके अंदर ऊर्जा होती है जब आपके पास उम्र होती है कुछ करने की जब आपके गुरु सिखा रहे होते हो तब आपको समझ में नहीं आता तब आपका दिमाग दस जगह लगा रहता है और तब आप उसको ग्रैस्त नहीं कर पाते और जब वो उम्र आती है जब आप उसको पचा पाते हैं तब वो गुरु नहीं रहते फिर आपको अफसोस होता है कि मेरे हाथ से छूट गया मुझे लगता है कि ये सेम मेरे साथ हुआ है निवास जी के कंटेक्स में मैं आगे भी बताऊंगा आपको आ, कुछ मतलब भरी बातें पहले संग्रह के छपने की बात थी तो मैं कविताएं लिख रहा था और मैंने कुछ कविताएं ठीक ठाक की दिया तो मेरे पिता के मित्र होते थे हिंदी के बड़े कथाकार हिमांशु जोशी जी उनके बड़े मित्र थे तो मेरे फादर ने उनसे कहा कि मेरे बेटे ने एक कविता संग्रह लिखा आप देखेंगे और उन्होंने ये कोई उसके लिए परसू नहीं किया कि उन्होंने कहा कि मैंने सत्यव्रत शर्मा जी को कह दिया किताब घर में और वो छाप देंगे संग्रह और मेरे रिलीज हो जैकपॉट जैसा लग गया कि एक बड़े कथाकार ने रिकमेंड करके और छपवा दिया वो पूरा शुद्ध रिकमेंडेशन पे छपा हुआ संग्रह है यदा कदा वो हिमांशु जोशी जी की कृपा कह लें उनका प्यार कह लें आशीष कह लें कि उन्होंने कहा और वो कविता संग्रह छप गया और जब छपने की नौबत आई तो फिर उसमें विद्यानिवास जी ने उसमें टिप्पणी लिखी मेरा नाम पूरा है यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र से पूरा नाम छपा हुआ है बाद में नाम वाम भी बदला तो मुझे लगता है कि वो एक कोई एक युवावस्था का उद्रेक कह लें कहले कह लें छप जाए किताब में भी लेखकों की जमात में आ जाऊं लेकिन जो मैं सोनल जी के माध्यम से बात कर रहा हूँ मैं छोटा था विद्यानिवास जी से मैं कुछ कुछ पढ़ता रहता था तो उन्होंने मुझे गीत गोविंदम पढ़ाना शुरू किया और उनकी एक किताब है राधा माधव रंगरंगी जिसमें उन्होंने गीत गोविंदम की व्याख्या की लेकिन आप आश्चर्य देखिए कि वो अपनी किताब से नहीं वो कपिलान जी के टेक्स से मुझे समझा रहे थे तो एक दिन लखनऊ बुलाया मुझे मेरी सिस्टर साथ थी लखनऊ जाने का एक प्रिवलेज होता था कि एक दिन के लिए गए हैं दिन भर में घूमेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे फिल्म जरूर देखेंगे और फिल्म देख करके लौटेंगे रात में तो मैं माधु दीक्षित का बहुत फ़ैन होता था और अनिल कपूर माधे रिशि की फिल्म आई थी पुकार नॉवेल्टी सिनेमा में लगी थी अब रात के नौ से बारह का शो हम लोगों ने ले लिया कि रात का शो देखेंगे और रुकेंगे नेक्स्ट डे घर आ जाएंगे विद्यानिवास जी ने मुझे नौ ही बजे बुला लिया अब फिल्म देखने का जो एक वो था आस्वाद वो गीत गोविंदन तो कहीं किनारे लग गया अब हम लोग गए अब विद्या निवास जी का मतलब फरमान है फिर वो तो जाना ही है अब वो बैठ के समझा रहे हैं बता रहे हैं और मेरी बहन कुड़ रही है और जो मेरे साथ गए हैं वो कि अब पिक्चर छूट रही है पिक्चर छूट रही है और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया पल्ले नहीं पड़ा कि किस तरह की कि कौन सी बात चल रही है मेरे दिमाग में था कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की पुकार तो गई आज <laughs> थोड़ी देर के बाद विद्यानिवाजी ने कहा कि तुम्हें यार बन नहीं लग रहा पढ़ने में चक्कर क्या है तो मैंने कहा कुछ नहीं वो बहन को पिक्चर दिखानी थी तो कहे अच्छा 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 तो पहले बताना था जाओ 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 कल 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 हम लोगों ने खटखट बंद किया चाहे वह आधी अधूरी छोड़ी भगे वहाँ से अलीगंज से नावल हजरतगंज तक आए उतनी देर में आधी पिक्चर तो निकल चुकी थी मेरी बहन बहुत भुन, भुन आ रही थी मैं भी पड़े उसमें लेकिन अब क्या बोलूँ वो एक होता है ना दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम तो ना तो पिक्चर ही हाथ आई ना ज्ञान ही हाथ आया और वो पिक्चर आधी अधूरी छूट गई कोई बात नहीं आज जब मैं उस पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मेरे लिए उस दिन की प्रायोरिटी फिल्म देखना था गीत गोविंद पढ़ना नहीं था आज जब चौबीसों घंटे यूट्यूब सारे चैनल पर सारी फिल्में मौजूद हैं हर फिल्म आके निकल जाती है देखने की इच्छा नहीं होती है अभी आप मेरे साथ मेरे कमरे में गए थे तो आपने कहा यहाँ म्यूज़िक सिस्टम रखा टी वी नहीं मैंने कहा फिल्म नहीं देखता टी नहीं देखता वो दौर अगर मैं पिक्चर की आहुति दे करके पढ़ लेता तो कुछ काम आता वो नहीं हुआ तो जब उम्र होती है सीखने की तो आप उड़ रहे होते हैं और जब आपको सीखने की चाह जगती है तो वो लोग चले जाते हैं आपके जीवन से ये बड़ा ख़तरनाक है मेरे साथ हुआ है और बहुत बार हुआ विद्यानिवास जी से क्या क्या सीखा विद्यानिवास जी से सबसे पहली तो ये बात सीखी कि पढ़ो पढ़ना जरूरी है और तुम क्या पैदा कर दोगे जो पहले के लोगों ने नहीं पैदा किया है तो मैं उस मामले में थोड़ा ट्रेडिशनल स्टूडेंट हूँ मैं किसी पे आक्षेप नहीं करता बहुत सारे लोग नए लोग बहुत अच्छा लिख पढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि पहले पूरा पढ़ लिया जाए जो लिखा पढ़ा गया है आधुनिक साहित्य परंपरा प्राच्य लेखन तो उन्होंने एक दृष्टि दी वो मेरे काम आई मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा मैंने कालिदास को पूरा पढ़ा भवभूति पढ़ा उत्तर रामचरितम पढ़ाया उन्होंने मुझे सौंदर्य लहरी पढ़ाया जो और विज्ञान भैरव तंत्र बताया जो शिव पार्वती संवाद है और फिर उसके बाद तमाम सारी चीज़ें परंपरा की बनारस के बारे में और मुझसे कहते थे कि बेटा लेखा क्या स्कॉलर वो बड़ा नहीं है जो अपने विषय का माहिर है स्कॉलर तो वो होता है जो अपने शहर को जानता है क्या बात है आपको तभी आपकी आपकी कसौटी ये है कि आप अयोध्या को कितने अच्छे से समझते हैं उन्हीं की प्रेरणा से मैंने फिर अयोध्या के अध्ययन में उतरा और उसके सांस्कृतिक अध्ययन में मठ मंदिरों की परंपरा म्यूज़िक की परंपरा तो जो मैं कहना चाहता हूं अंजुम आपको वो बहुत उस तरह के लोग थे जैसे गुरुकुल की शिक्षा देने वाले लोग हों और विद्यानिवास जी ने आधुनिक साहित्य पर भी बहुत दृष्टि दी मुझे सौ कहानियों मुझे की लिस्ट बनवाई मुझे कि ये कहानियाँ पढ़ के आओ बहुत सारी कहानियाँ भारतीय भाषाओं की फिर मैंने खुद से एक्सप्लोर किया उर्दू में पंजाबी में मेरे फेवरेट लेखिका एक दौर में अमृता प्रीतम होती थी और उनकी कहानी मुझे आज भी शाह की कंजरी या हीरे की कनी मुझे बहुत पसंद है और फिर वाइकम मोहम्मद बशीर को पढ़ा तक्षी शिवशंकर पिल्लई को पढ़ा गुजरात का बहुत साहित्य पढ़ा गुजराती साहित्य पढ़ा साउथ इंडियन साहित्य प्रतिभा राय को एथ क्लास में द्रौपदी याज्ञसेनी देव देवकी सब पढ़ लिया था पढ़ पढ़ लिया था तो पढ़ाई करवाई उन्होंने और आधुनिकता की दृष्टि को नारायण जी ने दी क्योंकि मैं उनके घर में रहकर एम ए के पढ़ाई कर रहा था तो मैं उनके महानगर वाले घर में साथ रहता था तो पढ़ाई तो क्या करता था दिन भर कुंवर जी को पढ़ता था उनकी लाइब्रेरी में बैठा रहता था वो कैसी कविताएं लिख रहे हैं कैसे अपने नोट्स बना रहे हैं कैसे वो पूरी तरह से डिसिप्लिन है अपने काम को लेकर के मैं वो देखता था तो वो दोनों के बीच में और कहीं इस बीच में एक तीसरी कड़ी है श्रीलाल शुक्ल वो मेरे पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त घर में बड़े आने वाले ठहाका लगाने वाले वो एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर थे श्रीलाल जी एक से एक गंभीर किताबें पढ़ के रखे रहते थे जब इंद्रानगर मिलने जाता था तो मुझे अपनी किताब दे देते थे, थे कि ये तीन ये किताब पढ़ो अच्छा सर मैं पढ़ के वापस भी करता था कुछ किताबें मैं रख भी लेता था एक बार मुझे याद है कि उन्होंने मुझे एक किताब दी राम बहादुर राय जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ लंबे डायलॉग की एक किताब की थी रहबरी के सवाल तब तो तक मेरा राजनीतिक लेखन को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी उन्होंने कहा कि तुम इसको ले जाओ इसको पढ़ना बहुत मज़ेदार है ये कह के दे दिया मैं ले आया वो किताब आज भी मेरे पास उसमें राम बहादुर जी ने आदरणीय श्री लाल जी को राम बहादुर राय करके गिफ्ट किया है जब मैंने वो पढ़ा अंजुम तो मेरे लिए एक बिल्कुल नए तरह का पर्सपेक्टिव खुलता चला गया उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर भारतीय राजनीति को लेकर के इतनी शानदार किताब लिखी जा सकती है डायलॉग फॉर्म में तो वाई नॉट इन आर्ट्स वाई नॉट इन लिटरेचर और वो एक किताब मेरे लिए एक तरीके से मार्गदर्शी बनी जब मैंने सुनल मान सिंह के साथ देवप्रिया देव का डायलॉग किया।, किया कोई ये कह नहीं सकता ये सोच नहीं सकता कि एक राजनीतिक डायलॉग को पढ़ के एक सांस्कृतिक डायलॉग करने की इच्छा जगी मेरे मन में उसका पूरा क्रेडिट उसके देव प्रिया पूरी की पूरी उसी उससे आई थी वो उस उस प्रेरणा से आई थी उस, उस कि मुझे लगा कि मुझे ऐसा काम तो डांस में करना है मुझे ऐसा काम म्यूज़िक में करना है जो फिर मैंने बाद में पढ़ाया जो लता जी में भी एक पूरा पोर्शन है अभी गुलजार साहब की आएगी तो उसमें भी एक लंबा पोर्शन है मुझे लगता था कि जो कौतूहल जो जिज्ञासा जो प्रश्न जो दुर्बलताएँ जो समाज राम बहादुर राय चंद्रशेखर जी की दृष्टि से पूछ रहे हैं वो चीज़ मुझे कलाओं में पूछनी चाहिए क्योंकि वैसी किताबें मुझे मिलती नहीं थी और एक बात मैं यहाँ और कहूँगा जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने किया तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई अथॉरिटी वर्क है या उसका क्लेम मैं ले रहा हूँ मेरी हर किताब का एक बहुत ही सहज डिस्क्लेमर ये है कि जो भी आप लिख पढ़ रहे हैं वो आपका पर्सपेक्टिव है वो आपकी दृष्टि है वो मुकम्मल नहीं है उसको मुकम्मल बनाने के लिए दो चार और लोगों को काम करना पड़ेगा दूसरी दृष्टियों को भी आना पड़ेगा क्योंकि कलाओं का कोई आत्यंतिक सत्य अपने में अकेला नहीं होता छोटे छोटे आंशिक सत्यों से हम बड़ा सत्य निर्मित करते हैं तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने लिखा है वो मेरा पर्सपेक्टिव है मेरे अध्ययन का मामला है अच्छा कुंवर नारायण और वैद्या मिश्र की आपने बात की कुंवर नारायण उपस्थिति और कुंवर नारायण संसार हाँ जब आपने कुंवर नारायण जी के साथ किया काम तो ये दोनों संचयन तो आप लेते आए संपादित किया विद्यानिवास जी क्यों नहीं किया ऐसा मौका नहीं आया क्योंकि मैं मेरी वो हैसियत नहीं थी उस ज़माने में दो तो हज़ार चार पाँच में आया था कुंवर जी पचहत्तर साल के हो रहे थे कुंवर जी ने खुद कहा कि बेटा तुम करो मैं डर गया मैंने कहा इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता बोले तुम्ही को करना है ये तुम तुम्ही करोगे तो कुंवर जी ने वो भरोसा जलाया तो फिर मैंने किया विद्यानिवास जी के जीते जी उनका कोई संचन इस तरह से आया नहीं था और जब उन पर कोई बात करता भी था एक स्टूडेंट की तरह एक पारिवारिक सदस्य की तरह मैं उनके घर में बैठा भी रहता था तो कहते थे अभी कहाँ हमारे एक है बहुत काम कर एक है इस तरह से वो मैं ठीक थी, ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ बनारसी लैंग्वेज में जो यो योमेश ज़्यादा अच्छे से बोल के बताएगा तो मुझे लगता है कि वो ये भाव कहते थे कि अरे कोई समग्र लेखन या कोई रचना संसार जैसी चीज़ थोड़ी करने की चीज़ है अभी तो बहुत काम करने को बाकी है वो एक दूसरी फिलॉसफी को जीने वाले व्यक्ति थे लेकिन मेरे मन में जरूर है कि मैं कभी विद्यानिवास जी पे एक पूरा लंबा संस्मरणात्मक निबंध लिखूंगा क्योंकि बहुत मज़ेदार बहुत मानवीय पक्ष उसमें मौजूद हैं जो मुझे कहने चाहिए अयोध्या तथा अन्य कविताएं आता है उन्नीस निन्यानवे में आपका दूसरा कविता संग्रह इसमें कविताएं हैं एक कविता का मैं यहाँ जिक्र करूंगा जो कि अयोध्या सीरीज की कविता है और फिर मैं सीधे आऊँगा आपकी एक नए काम पर जो कि अयोध्या पर आपने एक बड़ा काम किया है और अयोध्या परंपरा संस्कृति विकास एक बहुत बड़ा काम आपने अयोध्या का 2022 में किया तकरीबन भी दो दशकों का इसमें पूरा का पूरा अंतराल है इस बीच जाहिर सी बात है आपकी दृष्टि भी बदली होगी अयोध्या को देखने की जब ये आई थी तब देश में रिजीम भी कोई और था जब दूसरी किताब आई है अयोध्या की तब रिजिम कोई और है संभवतः जब पहली किताब आई होगी आपकी विचारधारा भी कुछ और रही होगी और जो आज आई है आपकी विचारधारा संभव है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आया हो क्योंकि आता है सबकी विचारधाराओं में आता है जब आप यहाँ पर लिख रहे थे अयोध्या एक में कि अपनी मर्यादा को बचाते हुए जल समाधि के लिए प्रवेश करते हैं गुप्तार घाट के निर्मल जल में ये आप जब ये लिख रहे थे जब गुप्तार घाट का जिक्र आपने यहाँ इस तरह किया और जब इस किताब में आपने उन्हीं घाटों का जिक्र किया तो दोनों की भाषाओं का लिखते हुए आपने किस तरीके से ध्यान दिया क्योंकि तो एक कविता लिख रहे हैं और एक पूरे शहर का पूरा शहरनामा लिख रहे हैं आ, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा लंबे बातचीत का हाँ। मामला है पता नहीं आपके पास ना? हाँ हाँ आप बोले समय पर्याप्त है कविता जो है वो आपकी भावना है हाँ। आप जैसी भी भावना कहना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि 22 साल के उम्र के लेखक और 45 साल 46 साल के एक व्यक्ति के सोच में फ़र्क आएगा अध्ययन में फ़र्क आएगा तो कविता की भाषा को लेकर के तो मैं इससे कुछ नहीं कह सकता कि कविता की भाषा के भी पाठ बदलते हैं जैसे आप मेरे ही कविताएं, अभी चार कविता संग्रह आ चुके हैं आखिरी कविता संग्रह विभाष आया तो यदा-गदा से लेके विभाष तक भाषा बहुत बदली है दो और ग्यारह में मैंने अयोध्या की संगीत परम्परा पे पूरी किताब लिखी संपादित की लिखने के साथ अयोध्या की संगीत परंपरा जो संस्कृति विभाग अयोध्या के सौजन्य से प्रकाशित हुई अच्छी किताब थी और दूसरा मैंने 2016 में शहरनामा फैजाबाद किया जो एक तरह का कल्चरल रीडर है मैं बात करूंगा हाँ नहीं वो इसके पहले किसके पहले का ये आई किस लिए है इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ तो 2016 में जब मैंने की तो फैज़ाबाद एक जिला होता था एक बृहत्तर जिला जिसके अंदर अयोध्या एक शहर होता था ये 19 के बाद अयोध्या जिला हो गया तो शहर नामा फैज़ाबाद में दोनों शहर हैं तो उस किताब को करते समय मैंने कुछ चीज़ें मैंने चूंकि मैं जयनिवाद जी की एक सोच थी कि अपने शहर को जानो और बीच बीच में मैं अयोध्या पर लिखता रहा हूँ जनसत्ता में मैंने कवर स्टोरी कभी की थी कुछ कुछ और भी लेखन किया था तो मुझे ये लग रहा है कि जब मैंने वो काम किया तो पांच छह चीज़ें मेरे सामने थी डच हिस्टोरियन था हंस बेकर उसका काम था टिफेंथलर का काम था पी कार्नेगी का काम था अवधवासी लाला सीताराम बीए जिनकी पहली शुरू की किताबें हैं अयोध्या का इतिहास और श्री अवध की झांकी फिर बहुत सारे छोटे छोटे काम और फिर गजेटियर ब्रिटिश गजेटियर एच आर नेविल का गजेटियर ई बी जोशी का गजेटियर सब पढ़ा मैंने और मुझे लगा कि हिंदी में दस्तावेजीकरण क्यों नहीं होता हम अंग्रेजी पर ही डिपेंड क्यों करें या सन 1960 में अंतिम में ई बी जोशी बना के निकल जाती हैं गजेटियर उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ तो लाओ मैं करता हूँ तो जब मैंने वो काम किया और उसको एक एक जगह जाके स्पॉट किया मैंने चार महीने पूरी परिक्रमा की शहर की नॉर्मल लोगों से बात की सबके नाम तक दर्ज हैं इंटरव्यू हैं सब रिकॉर्डेड हैं तो अरुण जी बहुत उत्साहित हुए अरुण माहेश्वरी उन्होंने वाणी प्रकाशन उन्होंने कहा यतीन इसकी एक पिक्टोरियल किताब बननी चाहिए तो मैंने कहा कौन करेगा और इसमें मेहनत कौन करे आपने पहले बताया होता तो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ वहाँ फ़ोटो भी खींच लेता तो बोले नहीं करते हैं ये योजना ही चलती रही बनती रही फिर अरुण जी एक दिन उत्साहित हुए और उन्होंने कहा हमें करना है और इसको एक बड़ा जिसे अंग्रेजी में कहते हिंदी में तो वो बहुत पसंद नहीं किया जाता कॉफ़ी टेबल बुक जैसा तो मैंने कहा कि बहुत पैसे वैसे लगेंगे तो बोले उसकी आप चिंता ना करिए मैं करता हूँ तो अरुण जी के उत्साह से फिर ये काम शुरू हुआ और इस काम में फिर दो साल लगे मैंने किया लेकिन अगर आप इस किताब से गुजरे हों तो मैंने इसमें इसका ए, एक सांस्कृतिक कहा एक, एक सवाल यहाँ पर उससे पहले आप सांस्कृतिक पक्ष पर आए मेरे पास सवाल भी हैं इस किताब से काफ़ी क्या ये किताब और फैज़ाबाद आपकी दो की किताब जैसा आपने कहा भी क्या ये किताब जान एक ऐसे समय में आई जब देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो इस तरह की किताबों को और अयोध्या को लगातार प्रमोट कर रही है अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2010 में जब मैंने काम किया अयोध्या की संगीत परंपरा तो उस समय तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में दो हज़ार का काम है मेरा फिर उसके बाद जब 2016 में मैंने किताब की तो उस समय 2019 का कोई वर्डिक तो आया नहीं था और मुझे मालूम नहीं था देश में किसी को नहीं मालूम था कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने मुझे लगता है कि इसको इस तरह से अगर देखेंगे तो मेरे अयोध्या पे जितना काम अब तक किया है फिर वो तो आपको फिर उसकी सारी क्रोनोलॉजी चेक करनी पड़ेगी तो ये मेरे लिहाज से तो ये मुझे नहीं लगता दुरुस्त है कोई इसमें ये ये अंगिल देख सकता है मेरा काम था कि मुझे अयोध्या के बारे में एक सांस्कृतिक एक रूपाकार एक एक रीडर बनाना है इसलिए भी कि बहुत सारा ऊटपटांग काम रील के माध्यम से यूट्यूब पे भ्रांति फैलाने वाला पड़ा हुआ है ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस सरकार के आने के बाद अयोध्या को लेकर बहुत फोकस आम जन में बढ़ा तो बहुत सारी गलत बातें बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्स बिल्कुल भ्रामक हैं उसको लोग बढ़ चढ़ के बताते हैं और उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो कि है ही नहीं जो कहीं पे लिखित नहीं है ना सांस्कृतिक तौर पे लिखी है ना पौराणिक तौर पे लिखी है स्कंद पुराण में नहीं लिखी हुई है जिसमें अयोध्या महात्मा का पूरा खंड मिलता है ना वो कहीं और मिलती तो आप लाते कहाँ से वो मटीरियल तो मुझे और मुझसे फिर चैनल वाले आके सवाल करते थे आप ये बता दीजिए हमने तो ये जाना है गुप्तार घाट के बारे में भ्रांतिपूर्ण जानकारी अयोध्या तो के बारे में तो सरयू नदी यहाँ पांच नदियाँ बहती हैं सिर्फ एक सरयू नहीं है तो ये सब लोगों को पता नहीं था फिर एक बात के तौर पर मैं इशारा करूंगा कि अयोध्या से रामचरित मानस लिखा गया वो स्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ शुरू किया रामनवमी के दिन और फिर वो आगे गया सौ से अधिक ग्रंथ लिखे गए रामनाथ जोशी ने लिखा रामचंद्रोदय बनादास जी ने लिखा उभय प्रबोधक रामायण सरयुअष्टक लिखा पंडित उमापति त्रिपाठी कोविंद जी ने राम मंगल दास जी ने प्रसंग पारिजात लिखा श्री अवध की झांकी लाला सीताराम ने लिखा हर मठ मंदिर में मौजूद जो पुराने आ, उस परंपरा के आर्श परंपरा के आ, सब बड़े आ, जानकार हुए उन लोगों ने पुस्तकें लिखीं बहुत की पांडुलिपियाँ हैं बहुत सारी किताबें छपी नहीं मतलब बर्बाद हो गई बहुत सारी अभी अपूर्ण हैं बहुत सारी छप भी गई तो इसकी जानकारी कौन देगा ये कौन लाइन में लाएगा तो और मुझे वो हासिल था अयोध्या के नागरिक की हैसियत से आ, मैं ये काम करने की ज़िम्मेदारी मानता हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई बंगलौर में बैठा हुआ या अमृतसर में बैठा हुआ है या पुणे में बैठा हुआ आदमी आके अयोध्या में इंटरेस्ट लेके काम करेगा यहाँ के लोकल आ, उसको जानने की इकोलियल जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करेगा मुझे वो प्रिवलेज था अपने लोगों से मिलने का मैं अपने ही शहर में रहता हूँ मैं दिल्ली में तो रहता नहीं हूँ मैं लोगों से मिलता था सांस्कृतिक रुझान मेरा बहुत था संगीत का रुझान बहुत था तो फिर मैं ये कर पाया मैं इस किताब की तरफ आ रहा हूँ अब अयोध्या धनुषाकार बसी है जिस हिसाब से आप बताते हैं और बाकायदा इसमें आप एक... नहीं बताते हैं जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है हाँ आप इस किताब में मतलब लोगों को बताते हैं इस किताब के माध्यम से भी ग्रंथ तो सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे होते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती जी इतनी बात करने की आज आ, और इसका बाकायदा ही ड्रोन इमेज के तहत आप उसको दिखाते भी हैं हाँ। जो कि इमेज बहुत प्यारी इमेज ली गई है इसमें गिरजा कुंड सीता कुंड निर्मली कुंड का जिक्र है एक और कुंड है जिसका एक इसमें ख़ास जिक्र है वो है घोषार्क कुंड जिसे अब घोषार्क तीर्थ के नाम से जाना जाता है उसके बारे में कुछ बताया घोषार्क तीर्थ घोषार्क कुंड और वहाँ भी है बनारस में भी है बहुत सारे कुंड बने यहाँ ये कहा गया कि जब विक्रमादित्य ने इसको दोबारा से बसाया और तमाम सारे कुंड का निर्माण किया सूर्य कुंड एक स्थान है आ, जो मेरे पूर्वजों ने बनाया था महाराज दर्शन सिंह ने दर्शन नगर में जाकर के सूर्य भगवान का देवता का मंदिर तो उसको घोषार तीर्थ या घोषार कुंड पहले कहा जाता था बाद में फिर वह सूर्य कुंड कहलाने लगा और उसकी एक ब्रिटिश गजेटियर्स में भी वो घोषार तीर्थ के रूप में मौजूद है तो जो चीज़ इतिहास में जैसे मुझे मिली ऑथेंटिक ढंग से जिनकी रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में हंस बेकर भी कह रहा है जिनके बारे में जल सीताराम कह रहे हैं अर्ली ट्वेंटीज़ में 1920-30 के दौरान वो सब चीज़ें तो मैंने उसको रिकॉर्ड की तरह दे दिया इतिहास की चीज़ों को उभारने में ख़तरा ये होता है आप जजमेंटल ना हों करेक्ट आप निर्णयात्मक नहीं हों कि आपको सूचना देने का काम करना है आपको क्रॉनिकल बनाना है एक क्रॉनिकलर की तरह तो बात करिए आप कौन होते हैं कहने वाले कि ये यही था ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो जो शहरनामा फैजाबाद है या अयोध्या है उसमें मैंने सारी मान्यताएँ लिख दी स्कंद पुराण ये बताता है गजेटियर ये बताता है परंपरा में ये व्याप्त है और वर्तमान में ये स्थिति है तो क्रॉनिकलर होते हुए क्या आप तटस्थ रह पाते हैं मुझे लगता है कि रहना पड़ेगा और अगर आप तटस्थ नहीं रह पाते हैं तो वो चैलेंज होगा और मैंने तो हर किताब में हर किताब में जहाँ भी जिस तरह से मैं मतलब तो लता जी पे भी काम किया है तो मैंने हर रेफरेंस पीछे जा के में रेफरेंस के साथ दिया है कि फ़लाँ का ये मत है फलाने ने ये मदद की यहाँ से ये चीज़ निकल के आई मैं मेरी उम्र पैंतालीस छियालीस साल है हज़ारों साल की परंपरा में लिख रहा हूँ तो मैं कहाँ से लाऊंगा लेकिन अगर मेरी परंपरा मेरी पूर्वज परंपरा में कोई चित्र मुझे मिला सन उन्नीस का कि ऐसी रामलीला होती थी राधे श्याम रामायण की बरेली वाले राधे श्याम कथावाचक की रामलीला के आधार पर होती थी या बक्सर के श्रीमन नारायण भक्तमाली जी के आधार पर यहाँ पर रामलीला होती थी ये बात तो कहनी पड़ेगी वहाँ के लोगों से इंटरव्यू लेके उनके दस्तावेज लेके कर यहाँ पर एक मंदिर है जानकी घाट में तो वहाँ पे करुणा सिंधु जी महाराज हुए जिन्होंने रामचरित मानस की पहली प्रामाणिक टीका लिखी रामानंद लहरी अयोध्या में लिखी गई वो मौजूद है वो छपती है गीता प्रेस ने और वेंकटेश्वर प्रेस ने उसको छापा भी था तो उसकी डिटेल मैंने दी तो मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं ये दूर की कौड़ी लेके आया हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ जो परंपरा में व्याप्त है जो मौजूद है जो साक्ष में मौजूद है उसको उस तरह से परोस देना भी मुझे लगता है जिम्मेदारी का काम है गोसाठ तीर्थ का क्या महत्व है सूर्य कुंड है हाँ। सूर्य भगवान का मंदिर है वहाँ पे ये कहा वो जब सूर्य के सूर्य सप्तमी होती है अचला सप्तमी जिसको कहा जाता है और बड़ा इतवार का दिन होता है तो तीर्थ में, में मेला लगता है तो वहाँ पे जाकर के लोग सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं और तीर्थ में स्नान करते हैं अयोध्या के हर तीर्थ का यही महात्मा है और एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ उन्नीस में एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा बनी अयोध्या में किंग uh, एडवर्ड के नाम पे तो उसमें uh, कई यहाँ के मानंद लोग रखे गए इस एक मेरे फादर भी थे उन लोगों ने क्या किया कि जो यहाँ के प्रचलित आध्यात्मिक तीर्थ क्षेत्र हैं जो ऑथेंटिक है जिनको स्कंद पुराण का अयोध्या महात्मा ऑथेंटिक करता है उन सब पे एक स्टोन लगाया और जैसे उन्होंने लिखा कनक भवन और उसके बाद उनके विशेष पर्व का नाम लिखा और उस पर एक नंबर डाला तो जैसे शीतला जैसे शीतला माता का मंदिर है बड़ी देवकाली का मंदिर है राम की कुलदेवी का मंदिर है उस पर लिखा हुआ है सोमवार और नवरात्र अष्टमी विशेष दिन तो अब नवरात्र के अष्टमी को दिन जा करके वहाँ दर्शन करिए सोमवार को दर्शन करिए या किसी कुंड के लिए लिखा है कि हाँ पूर्णिमा में स्नान होता है ब्रह्म कुंड में लिखा है वहाँ पूर्णिमा में स्नान होता है कहीं अमावस्या की है कहीं किसी और तिथि की है तो मुझे लगता है कि उसके आधार पर भी आपको वो बात कहनी पड़ती है तीन जगह है यहाँ पे भरत कुंड यहाँ पर गुप्तार घाट वहाँ सब पे जनरल होबर्ट का पत्थर लगा हुआ है कि ये पवित्र स्थान है भरत कुंड तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ पे किसी भी तक प्रकार से इसके कुंड के पानी को गंदा करना उसमें कपड़े धुलना उसमें मछली मारना उसमें नौकायन करना मना है तो वो वो अर्ली थर्टीज़ में पत्थर लगा हुआ है तो मैंने यहाँ कलेक्टर वगैरह से बात करके रिक्वेस्ट किया कि ये सब पत्थर मत हटाइएगा ये लगे रहने दीजिए क्योंकि लोग आएंगे अगर स्टडी करने नए बच्चे आते हैं तो उनको ये पता लगे कि जब ब्रिटिशर्स भी कॉलोनाइजेशन कर रहे थे उस दौर में भी तो तीर्थों को लेकर के कि वो कितने सचेत थे या उस, उस बात को समझते थे तो उन्होंने उन पत्थरों को इंस्टॉल किया चलिए एक चीज़ और यहाँ पर मैंने तो इसको पढ़ा और मैं तो समझ रहा हूँ कि बिंदु संप्रदाय क्या है आपने राजा दशरथ और बिंदु संप्रदाय का इसमें जिक्र किया उन तमाम लोगों के लिए मैं जानना चाहता हूँ संक्षेप में बताएं कि बिंदु संप्रदाय कहाँ से आया कैसा संप्रदाय था अब देखो आ, ये तो पूरे अयोध्या पढ़ाने की बात होगी मुझे लगता है कि <laughs> आ, 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 इसमें मैंने बिंदु संप्रदाय के बारे में हाँ। दशरथ जी के बारे में राम के पूर्वजों के बारे में यहाँ की तिलक वैष्णव तो जिक्र नहीं मिलता मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ हाँ। मैं आ, अयोध्या के उस एस्पेक्ट को लिखना चाहता था जो यहाँ की 40-50 किलोमीटर की परिधि में बात हो के रह जाती थी हाँ। और जो टेक्स्ट मौजूद थे खेमराज वेंकटेश्वर प्रेस ने बहुत कुछ प्रकाशित किया चौखंबा ने प्रकाशित किया गीता प्रेस में कुछ आ गया व्यापक स्तर पर नहीं गया सिवाय आ, जो कचेटियर्स में है या जिसकी बात हंस बेकर करता है सेवेंटी सेवन में जा कर के मेरी पैदाइश के साल ए, एक साल पहले वो काम करके जाता है और उस समय वो बताता है कि तमाम कुंड डिलेपिडेटेड हो गए मतलब आज से पचास साल पहले कुंड सब जिर्ण शीर्ण हो रहे थे तो मुझे लगता है कि उस ढंग से बात कह कहना मुझे उचित लगा तिलकों का मामला था जो बेंदी संप्रदाय की आप बात कर रहे हैं कि रामानंदी और रामानुजों के आ, तिलक अलग अलग थे फिर उनमें बड़गल तिलक था तिंगल तिलक था तिलक का मामला यह था कि बीच में राम विराज रहे हैं बगल में सीता और किनारे लक्ष्मण और राम को हाईलाइट करने के लिए लाल और किनारे बीच में दोनों तरफ सफ़ेद सफ़ेद और उसमें एक सिंहासन लगाते हैं तो नीचे सिंहासन बनाते हैं यहाँ महावीरी लगती है हनुमान की तो यहाँ पे लगती है बरौनी के पास क्यों क्योंकि राम के सीधे छाती पे नहीं सवार हाँ। है राम उनके चरण के पास बैठे हुए हैं तो हनुमान जी का स्थान चरण के पास है तो यहाँ पर आप अब आप हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएँ तो आपकी महावीरी यहाँ पर लगाई जाएगी आँख के पास तो वो एक ट्रेडिशन था उस ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं उस ट्रेडिशन से दूर रहने वाले कुछ लोग हैं तो मेरा काम था कि उन सब का दस्तावेज कर दिया जाए आज बताने वाले लोग कुछ जिंदा हैं आज किताबें मौजूद हैं आज कुछ चीज़ें प्रचलित हैं कल हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें ना हों और मुझे लगता है कि ये बात कुछ ज़्यादा आध्यात्मिक और अयोध्या की तरफ मुड़ रही है हमें दूसरी तरफ चलना चाहिए एक चीज़ जरूर कहूँगा कि इस किताब में एक चीज़ बहुत मन से की मैंने ध्रुपद जो मशहूर हैं लंका विजय के आर्ट्स हाँ, जो इंटेलिजुअल आर्ट्स हाँ. का मामला है जो रामकथा की चीज़ें रामलीलाओं में वर्णित हैं उनकी बातें बंदिशों में लंका जो धाय गए स्वामी की काजकरण अब हनुमान जी के लिए पद गाया जाता है राग बिहागड़ा एक ताल में लोगों को नहीं पता है या डांग जिला में आ, वो वहाँ पे दंडकारण्य में शबरी और भीलों का गीत गाया जाता है शबरी का गीत क्या होता है या टेक्स में किस तरीके से वो पारसी थिएटर का अप्रोच आता है और राधे श्याम कथावाचक की रामलीला का, राम का यहाँ पे इस्तेमाल होता है तो वो सब भी डालने की कोशिश और जब मैं इससे गुजर रहा था तो मुझे कूर्म अवतार के बारे में भी जिसे नेपाली मंदिर यहाँ देखा जाता है जिसके जिक्र आमतौर पर अयोध्या करते हुए नहीं आता है वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दिया और अयोध्या की बात मैं आपसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? नहीं बात ये, ये बहुत अच्छी बात है और मैं बार बार ये कहता हूँ कि खाली अयोध्या की बात नहीं हाँ। है। जो भी व्यक्ति जो भी रचनाकार है वो जिस शहर में रहता है उस शहर है की बात उसको करनी चाहिए क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जब मैं छोटा था और जब मैं लिखना पढ़ना शुरू ही किया था और मैं किसी समारोह में जाता था कहीं सभाओं में जाता था जब राम मंदिर की बात भी नहीं होती थी और जब मैं अयोध्या कोई बका देता था कि अध्याय सही पूछते थे कहाँ के हैं तो अयोध्या के बारे में जानने को उत्सुक होता था मैं खुद बनारस के बारे में जानने को उत्सुक रहा हूँ डाइना एलेक की बहुत शानदार किताब है द सिटी ऑफ लाइट या जब आप अवध को जानना चाहते हैं तो आप रतननाथ नाथ सरशार को पढ़ते हैं फसाना आज़ाद आप अब्दुल हलीम शरीर को पढ़ते हैं शरर को पढ़ते हैं गुजस्ता लखनऊ में आप योगेश प्रवीण को पढ़ते हैं आप अली सरदार जाफ़री को पढ़ते हैं लखनऊ की पाँच रहते आप अतिया हुसैन की सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम को पढ़े बगैर नहीं रह सकते नहीं। आपको लखनऊ समझने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा तो अयोध्या समझने के लिए आना पड़ेगा तो कोल्हापुर को भी समझो नागपुर को भी समझो जो है अलीगढ़ को भी समझो आगरा को भी समझो और मैं सिटी मेमोयर्स में बहुत बिलीव करता हूँ अंग्रेजी में बहुत अच्छी किताबें छपती हैं पटना के बारे में कलकत्ता के बारे में बॉम्बे के बारे में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो वो जो एक एक शहर का जो एक जो एक लोकेल है उसके जो नुानसेज़ हैं उससे जो बनने वाली संस्कृति है मुझे वो बहुत हमेशा से आकर्षित करती रही मेरी सीमा यह है कि मैं अज्य जानता हूँ या अध्याय को जानने की कोशिश करता हूँ तो मैं वो करता हूँ अच्छा एक चीज़ और है मैं आगे बढ़ रहा हूँ जब की बारादरी पढ़ते हैं या फिर गिरजा जो आपकी किताब है जो शहर का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं ना उनकी जो शुरुआत होती है ना वो उस शहर के नाम से ही होती है कि ये शहर मकान नंबर इतना ये शहर यहाँ पर ये चल रहा है तो वो चीज़ ही बार बार रही थी मुझे लगा था इंटरव्यू जब मैं लेने आ रहा था कि ज़रूर पूछूंगा कि ऐसा क्यों है लेकिन वो सारे तमाम जवाब अब मुझे मिल ही चुके हैं आगे बढ़ता हूँ और अख्तरी पर आता हूँ है ना बेगम अख्तर के बारे में सुनते हुए और उनको वैसे भी सुनते हुए आप बड़े हुए हैं है ना आप लगातार आपके कानों में उनकी आवाज़ गूंजी है आप चाहते तो इस किताब का संपादन ना करके उनके ऊपर एक ओरिजिनल क्रिएटिव राइटिंग कर भी सकते थे लेकिन आपने वो नहीं की आपने संपादित किताब की ऐसा की आ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये इसका जवाब मैंने एक दो जगह और दिया है आ, मेरे करने का स्टाइल ये रहा कि मैं किसी भी कलाकार से उससे सीधे मुखातिब होकर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए काम करता हूँ वो शुरू से ही रहा और इस बात के लिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गिरजा देवी जी सोनल मान सिंह जी बिस्मिल्ला खां साहब लता जी और अब गुलजार साहब ये सब काम उनसे डायरेक्ट बात करते हुए हुए बेगा बख्तर साहिबा सन 1974 में नहीं रहती और मैं सन 77 में पैदा होता हूँ तो उनके मृत्यु और मेरे जन्म में तीन साल का अंतर है लेकिन चूंकि वो 1935 से 1947 तक फैज़ाबाद रहीं और यहाँ पर दरबार गायिका रहीं जो हमारे यहाँ सारे रिकॉर्ड्स हैं तो मेरी दादी सब कहानियाँ सुनाती थी और कैसे वो आती थी उनका लहका लहजा उनके बातचीत का अंदाज़ उनकी महफ़िल करने का ढंग पेशवास पहनती थी पेशवास पहनने का तरीका तो वो मेरे बैठता गया फिर एक कहानी हमारे घर की वो भी सुना दूंगा उसने मेरे मन में उनके प्रति जो एक एक ब्रिटिश जमाने में जो इन लोगों को नॉच गर्ल्स और उस तरह से देखा जाता था और उनको कहीं से डिमीन करने की कोशिश की जाती थी ऐसा बिल्कुल नहीं था महाराज थे जगदमिका प्रताप नारायण सिंह जी तो उनके ज़माने में वो दरबार गायिका थी और उनको लेने उनकी मर्सिडीज बेंज गाड़ी एक नंबर की जाती थी वाइट खुली हुई तो वो उनको उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी का एक एक हमारा दर्शन नगर मोहतरम नगर में एक इलाका है वहाँ पे हमारा फार्म हाउस है पचास एकड़ का रकबा उनको नज़र कर दिया था लिख दिया था बेगम साहिबा को तब वो बाई फैजाबादी कहलाती थी तो जब वो सन सैंतालीस में जाने लगी छोड़ के फैज़ाबाद तो महाराज को वापस करने आई तब तो तक मेरी दादी की शादी वादी भी हो चुकी थी तो उस ज़माने में भी हर ज़माने में ज़मीन की कीमत होती थी तो उन्होंने कहा कि आप इसको बेगम साहिबा क्यों मारू अख्तरी बाई क्यों इसको वापस कर रही हो हमसे कोई गुस्ताखी हो गई गुनाह हो गया हाँ, लिखा हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आ, मैंने जब तक रहा जोता बोया खाया फल उसमें आम के बाग थे अगर मैं छोड़ के जाऊँगी तो फैज़ाबाद की तारीख मुझे माफ़ नहीं करेगी कि एक राजा के उपहार को एक गाने वाली बाई जी ने बेच दिया तो मैं तो बराबरी का हिस्सेदारी चाहती हूँ कि जब इतिहास लिखा जाए तो एक राजा की अगर वज़ादारी की बात हो तो मेरी बात भी आए कि एक गायिका ने भी उसका वैसे ही हक अदा किया और मैं वापस करूंगी और उन्होंने वापस किया मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे आज भी वो प्रॉपर्टी हमारे पास है बाई फैजाबादी बनाम डॉक्टर रमेंद मोहन मिश्रा वो प्रॉपर्टी वापस हुई ये सब बात मुझे लगता था कि हम लोग सुनते कुछ हैं और दुनिया में कुछ और होता है तो मुझे लगा कि मुझे बेगम अख्तर पर काम करना है अब आपके सवाल पर आते मैंने बेगम साहिब बाबा को आपको देखा नहीं जो नहीं। देखा जाना अपने परिवार की परंपरा में जाना या राज परिवारों की परंपरा में जाना या म्यूज़िक के जानकार के तौर पे जो एक रसिक के तौर पे मैं जानकार कहना तो गुस्ताखी होगी जो एक रसिक के तौर पे मैं एक संगीत को समझता हूँ और जो मैं ये मानता हूँ कि गज़ल को उन्होंने उपशास्त्रीय गायन की विधा में प्रतिष्ठित किया जा करके वो सब बातें तो मुझे पता थी मेरी स्टाइल में वो बात आती नहीं थी कि मैंने तो डायरेक्ट कुछ जाना नहीं तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया उनकी तीन वैध शिष्याएं जिनका गंडा बंद किया अंजलि बैनर्जी शांति हिरानंद और रीता गांगुली अंजलि बैनर्जी जी ने साफ मना कर दिया कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी उन्होंने अपने को बिल्कुल अलग, 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 अलग आइसोलेटेड हाँ, रखा है ये बात मैंने जिक्र किया है भूमिका में फिर मैंने शांति जी को पकड़ा शांति जी से परिचय हुआ रीता जी मुझे जानती थी तो मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए उनके मुँह बोले बेटे सलीम के दवाई साहब जो उनके साथ रहते थे तो उन्होंने बड़ी मदद की योगेश प्रवीण जी जिन्होंने उनके समय ए का दौर देखा था कौमोदी मुंशी जो नीनू मजूमदार म्यूज़िक डायरेक्टर की पत्नी थी और हिंदुस्तान होटल बॉम्बे में उनके साथ बैठती थी और तानपुरा तान छेड़ती थी सब करती थी तो इन सब लोगों को इंटरव्यू रिकॉर्ड किया इनसे लिया मैंने गालिब छोटी शराब पढ़ रखी थी तो उसमें मैंने कालिया जी का प्रसंग पढ़ा था कि कैसे वो बेगम अख्तर के रिकॉर्ड के लिए परेशान होते थे तो कालिया जी की डेथ हो चुकी थी तो मैंने ममता जी से रिक्वेस्ट किया तो, तो ममता जी ने कहा कि वो तो रवि का अनुभव था मैंने कहा मैडम लेकिन अब आपको करना है रवि जी तो है नहीं किताब से लेने से अच्छा है कि आप उनकी अनुभूतियों को लिखें ऐसे ऐसे करके बाकायदा सायास मैंने एडिट किया सिर्फ इसलिए कि ये अकेला यतीन्द्र मिश्र का अनुभव नहीं है सुना सुनाया अनुभव है और वो सारे लोग जो जीवित हैं जो ये बात बता सकते हैं उनकी कथाओं को मैं जोड़ूँ प्राण नेविल जी जिन्होंने नॉच गर्ल्स ऑफ इंडिया जैसा काम किया मैंने उनका लेख लिया शीलाधर का एक बहुत बड़ा आर्टिकल था उनकी उस पर तो जो मैं कहना चाहता हूँ ये किताब तब जस्टिफाई होती है जब वो सारे लोग आते हैं जिन्होंने बेगम अख्तर को देख रखा है और आप आप ये ये एक संयोग कहेंगे या एक दुर्भाग्य कहेंगे किताब आने के तुरंत बाद एक वर्ष के भीतर न शांति जी रही ना सलीम साहब रहे ना कौमुदी मुंशी रहीं ना योगेश प्रवीण रहे अंतिम इंटरव्यू है शांति हिरानंद का जो इसमें आया तो मुझे थोड़ी तसली है कि मैं कुछ न्याय कर सका शांति हिरानंद की बात चूँकि आपने की है तो वो इसी में जब आप उनसे बात कर रहे थे तो वो उन्होंने एक जगह लिखा कि आ, अम्मी ये लोग बोलते थे, थे अम्मी बोलते थे उन्होंने कहा कि वो इज्जत के लिए उनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी थी तड़पती रहती तड़पती थी। रहती थी आपको लगता है कि उनको जि जिस इज्ज़त के साथ आज देखा जा रहा है देखा जाता है देखा जा रहा है उनके जीते जी उस तरीके से नहीं देखते नहीं ये नहीं कहेंगे मुझे लगता है जो मैंने जाना है मैं राज्यसतों की बात छोड़ दूँ अपने घर परंपरा की बेगम साहिबा को उनके जीते जी वो मकबूलियत मिल गई थी क्यों फिर शांति सानंद ने ये स्टेटमेंट वो उस दौर की बात कह रही हैं वो उनके साथ 20 साल रही हैं चौहत्तर में गई हैं और चौवन से वो रही हैं फिफ्टीज़ में नहीं था अख्तरीबाई बाई फैजाबादी थी और बेगम अख्तर तक का दौर देखा है उन्होंने तो वो वो अलीट क्लास में आने का उनका उनकी तड़प वो लखनऊ के नखास से उठा के हाईवे रोड पर ला करके जहूरबक चर्च के सामने अपना कोठा बनाना हजरतगंज इलाके में बिल्कुल ऐसे एरिया में जहाँ अलीट और सफ़ेद पोश लोग हैं, तो वो सब उनकी उसी बात का इशारा है और मुझे लगता है कि बाईजी लोगों को लेके संगीत की जो उस समय की प्रैक्टिशनर्स रहीं बहुत आदरपूर्वक कहूँगा ब्रिटिश जमाने में उनका सम्मान नहीं हुआ उनको लेबल गलत ढंग से किया जाता था फिफ्टी टू फिफ्टी बीजी केसकर जब वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुए हुँ. तो वो बाई जी अगर आपके नाम के आगे बाई जी नहीं बाईजी लगाए तो आप रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आ सकती नहीं आप देवी लगा के आइए या आप जो है उसके आगे बेगम लगा के आइए तो ये सब जो दौर है अंग्रेज़ों ने शारदा एक्ट पास किया था देवदासी प्रथा का उन्मूलन किया था तमाम वो सारी चीज़ें थी और कहीं ना कहीं वो एक जो एक अभिजात वर्सेस लोक का मामला है कि वो नाचने गाने वाला कौम के तौर पे देखा जाता था वो कहीं उनको खलता रहा होगा एक चीज़ और ज़मीन वाला जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे इसी किताब के पेज सतत्तर पे एक जिक्र आता है कि जब बेगम अख्तर गाती थी तो महफिल के बाद ग्यारह इक्कीस या एक सौ आठ अशरफियाँ महाराज का महाराज की नज़र करती थी और उसकी दोगुनी उन्हें मिलती थी ये क्यों था मुझे लगता है कि ये मैंने अपनी दादी से पूछा था वो एक वो परंपरा रही होगी राज रियासतों में कि राजा को कुछ नज़र करते हैं लेकिन राजा रख नहीं सकता है कलाकार का पैसा नहीं रखेगा उसका सम्मान करेगा दोगुना करके लौटाने का मतलब ये नहीं कि हम राजा साहब हैं और हम आपको डबल पैसा दे रहे हैं आपके सम्मान की एवज में आपको सम्मान अर्पित कर रहे हैं तो अगर ग्यारह रुपये उन्होंने दिया तो राजा साहब का फर्ज बनता है कि वो इक्कीस रुपये वापस करें उनको तो एक करना चाहिए वो दे सकते हैं कलाकार की कला का कोई मूल नहीं है वो वो अमूल्य है यानी अहम की तुष्टि वाली अहम की तुष्टि तो वाला बहुत ख़राब बात होगी हो अच्छा आप इसको दूसरे तरीके से आए हाँ। घरों में आ, पता नहीं बड़े शहरों का मैं नहीं जानता छोटे शहरों में तो होता है कि जब बहू आती है बिल्कुल नए नवागत बहू आती है तो अपने सीनियर्स को ग्यारह इक्कीस इक्यावन एक सौ एक पाँच सौ एक लिफाफे से पैर छूती है तो आप रख लेते हैं कि उसको वापस करते हैं उसमें पैसे डाल के वापस करते हैं ना या तो मुझे लगता है कि वो सम्मान का भाव है अहम की तुष्टि जैसा मामला मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मेरे घर में तो इतना सम्मान हुआ उनका और अगर अहम की तुष्टि होती तो राजा साहब बढ़ जाते कि नहीं साहब आपको तो ज़मीन बेच के जाना जाना नहीं लेंगे उन्होंने तो उनका सम्मान किया जो मर्सिडीज गाड़ी राजा साहब खुद चलते थे जिस पे कोई और नहीं चल सकता था वो बेगम साहिबा की सवारी में लगी होती थी और सबसे बड़ी बात मैं तो राजा साहब से भी नहीं मिला क्योंकि राजा साहब तो मेरे बहुत कम उम्र में एटीज़ में उनकी डेथ हो गई थी मैं तीन चार साल का रहूँगा मैंने अपनी दादी के साथ तो बीस साल तक रहा मेरी दादी ने जो बताया कि क्या गजब का उनका तरीका था बात करने का सब तरीक़े से आ, उनको सिखाने का संगीत बताने का उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ इज़्ज़त नजर आई और अगर आप मेरी किताब से गुजरें तो मुझे नहीं लगता कि बेगम अख्तर को मैंने कहीं से भी आ, किसी धरातल पे हल्का होते देखा है इस किताब में छोटे छोटे इंदराज मैंने उसमें डलवाए हैं लोगों के अनुभव के कि जिसमें बेगम साहिबा उभर जाती संतुष्ट हैं इस किताब से कौन आप संतुष्टि बहुत ख़राब शब्द होता है आ, मुझे लगता है कि अकीदत है उनके प्रति और वो अक़ीदत एक बहुत और मज़ेदार बात है इसी संदर्भ में जोड़ना चाहूँ लता जी ने अलग से बेगम अख्तर अरे बिफमिल्ला खान साहब ने अलग से गुलजार साहब ने अलग से और सोनल मान सिंह ने अलग से चारों लोगों ने बेगम अख्तर साहिबा के बारे में बहुत अच्छा बोला है मेरी किताबों में जो गुलजार साहब की किताब आ रही है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी शादी हो रही थी राखी जी से तो राखी जी के यहाँ जो संगीत हुआ था उसमें बेगम साहिबा गई थी म्यूज़िक करने और क्या गाया था क्या बनना गाया था क्या शाहाना गाया था सब गुलजार साहब ने डिटेल में बताया तो ये सारे लोग ये सब बड़े पायदार लोग हैं बिस्मिल्लाह खान से बड़ा कौन गुलजार साहब की किताब कब आ रही है हम कब से सुन रहे हैं कब आ रही है <laughs> इस साल आ जाएगी आ जाएगी इतना समय है? क्यों लेते हैं किताब लिखने में आ, या आ, बात करने में जैसे लता सुरगाथा में बहुत समय लिया आपने और गुलजार साहब वाली किताब मेरे ख्याल से दस साल हो गए दो हज़ार तीन में शुरू किया था लेकिन रुक गई थी लता जी की किताब के चक्कर में फिर शहरनामा करने लगा लेकिन दस साल तो लगे काम करने में ठीक गुलजार साहब वाले हाँ दस लगे मुझे लगता है अपने वो जो मिलान कुंडेरा कहता है ना कि साहित्य अपने पे शक करना सिखाता है शक करना चाहिए किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है किसी नजूमी ने नहीं कहा है कि तुम ये काम नहीं करोगे तो दुनिया नहीं, नहीं चलेगी मेरी बात हाँ, सुनिए हाँ, हाँ. मैं अपने मन से करता हूँ जब मैं कविता लिख रहा था और कविता में ठीक ठाक चल रहा था तो मैं गिरजा देवी पे काम कर रहा था जब गिरजा देवी और सोनल मान सिंह और बिस्मिल्ला खान बड़ी चर्चित हो रही थी तो मैं अक्का महादेवी का अनुवाद कर रहा था जब अनुवाद पसंद किया गया तो मैं शहरनामा अयोध्या कर रहा था फिर मैं लता जी करने लगा मैं अपने मन का आदमी हूँ मुझे जो अच्छा लगता है करता हूँ मैं ना ने, मार्केट ने, फोर्सेस पे जाता हूँ ना मैं इसके जाता हूँ कि किस भेड़ चाल में शामिल होऊंगा नहीं होऊंगा मेरा मन और मुझे ये लगता है ये एक लेखक की ये कोई मैं अपने को बहुत बड़े पदस्थल पे रख के नहीं कह रहा हूँ मैं एक विद्यार्थी की तरह कह रहा हूँ और एक बिल्कुल नए लेखक की तरह कह रहा हूँ नए बच्चों को भी सीखना चाहिए और सीनियर से सीखना चाहिए कम से कम मैंने कुंवर नारायण जी से सीखा है मैंने पंडित जी से सीखा है मैंने निर्मल वर्मा से सीखा है आप कोई चीज़ कहें और वो छपे हुए रूप में पब्लिक के सामने जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी आपको ओन करनी है? बहुत मेहनत करनी है उस पर शोध करना है कहीं की बात कहीं का, कहीं का उड़ा के नहीं करना है मुझे सिनेमा संगीत में सबसे प्रॉब्लम क्या होती है जब लोग ट्रिविया पे बात करते हैं ट्रिविया लेखन की बात करते हैं हमने ये सुना है फलाना ये हुआ तो आपने कहाँ से सुना मैंने एक सवाल कर दिया था लता जी से कि बैजू बावरा के म्यूज़िक के रिकॉर्डिंग के दौरान क्या नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को थप्पड़ जोड़ दिया था क्या पागल हो गए हो क्या किसी की हिम्मत थी र, जो है रफ़ी साहब से हरकत करने की कहाँ पढ़ा तुमने तो मैंने जिस फिल्म मुकासिब मैगजीन में पढ़ा था तो मुझे डांट पड़ी बोले उस जिसने लिखा है उसके तो बाप भी नहीं मौजूद रहे होंगे स्टूडियो में मैं थी <laughs> रफ़ी साहब थे नौशाद साहब थे और जो है शकील बदायूनी थे और नौशाद साहब तो वैसे बहुत प्यार से इज़्ज़त से बात करते थे ये सब तो बकवास कहाँ से लाते हो तो कहने का मतलब मुझे एक बात ये समझ में आई कि जो तमाम सारी कहानियाँ चलती हैं आप अक्सर रील्स पर जाएँ आपको एक नई बात बताते हैं लता जी की शमशाद बेगम की जो लता जी के पिताजी को भी नहीं पता उनको भी नहीं पता और उनके बायोग्राफर को भी नहीं पता वो उनको पता होती है मैं इस मामले में अक्सर यूनुस खान से बात करता हूँ विविध भारती में हमारे मित्र हैं हम लोग हंसते हैं सिनेमा को लेकर इतनी ट्रिविया उड़ी रहती हैं जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता आप कहाँ से लाते हो तो जब गुलजार साहब पर मैं काम कर रहा था तो मेरे लिए चैलेंज था आज तो एक कैंपेन चलता है गुलजार साहब के लिए कि नॉट बाई गुलजार हर दूसरी कविता बच्चन जी की है गालिब की है और गुलजार साहब की है गुलजार साहब है। कहते हैं हार गए भैया ये मेरा लिखा हुआ नहीं है नहीं नहीं लो, लोग लोग ये कहते हैं कि यतेंद्र मिश्र बहुत सारा काम बीच बीच में हाथ में लेते रहते हैं इसलिए जो काम वो कर रहे होते हैं उनसे छूटता रहता है आ, कोई ऐसा काम बताएं जैसे आ, आप किसी पत्रिका का संपादन अचानक से आप आप ले लेंगे जैसे संगना का आपने बीच में किया उससे पहले स्वर मुद्रा का किया उसी दौरान आप ये लता बागली किताब भी कर रहे थे और उसी दौरान दौरान आपने कुछ पत्रिकाओं के संपादन भी करने शुरू किए तो एक साथ छह दो या तीन काम साथ थे वो या आपके संग्रह आ गया कोई तो शायद कोई काम छूट जाता नहीं, नहीं जिसने कहा हो वो बात आपको खुल के पूछना चाहिए तो ज़्यादा मुझे जवाब देने में आसानी होगी संगना के संदर्भ में मैं कहूँ तो संगना मुझे दो साल के लिए मिली थी वो एक कमीशन प्रोजेक्ट था संगीत नाटक एकेडमी ने दिया था और मुझसे कहा था दो साल में आपको पाँच से छः अंक निकालने और मैंने पाँच अंक निकाले और संगना का काम पूरा हुआ फिर वहाँ पर मेरा वो बढ़ा नहीं कार्यकाल तो मैं ज़बरदस्ती तो ले कर नहीं सकता हूँ जब मैं दूरदर्शन में था प्रसार भारती में डीडी भारती चैनल का सलाहकार था तो दो साल मैंने वहाँ पे कार्यक्रम बनाए और और मुझे क्यूरेशन के लिए रखा गया था कि पुराने आर्काइवल क्यूरेशन्स करिए आप और मैंने वहाँ पर क्यूरेशन किया दो साल के बाद मुझे छः महीने के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा था मुझसे पूछ के तो मैंने उसको क्षमा चाहते हुए मना कर दिया था लिखा पढ़प में क्योंकि गुल लता जी वाली किताब बिल्कुल अपने स्टेक पे थी तो मैंने कहा मैंने दो साल काम कर लिया है तो मैं यहाँ नहीं कर सकता बीबीसी के लिए मुझे पॉडकास्ट बनाने के लिए बुलाया गया संग संग गुनगुनाओगे और वो करीब दस या पंद्रह एपिसोड कमीशन हुए थे और तीस बनाए मैंने और तीस एपिसोड बना करके फिर मैं बीबीसी बी हटा आ, बाद में फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ निश्चित अंतराल के बाद आपको दूसरे पॉडकास्ट के लिए बुलाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपने काम में कोई लापरवाही की हाँ ये ज़रूर है कि मैं समय लेता हूँ मैं थोड़ा इतमान से काम करने में बिलीव करता हूँ मुझसे जो लोग लिखाते हैं वो मुझे समय देते हैं और मैं इस भीड़ चाल में नहीं रहता कि मुझे हर पत्रिका में छपना है हर फोरम पे नज़र आना है मेरी भी सीमा है आ, कोई काम मैंने अपने हाथ में लिया है या मैं करने जा रहा हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं उसमें मना कर देता हूँ या मैं उसमें स्टडी करता हूँ ठीक लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपको कमिट करके और आपका काम ना करूँ आ, कुछ ये लेकिन ये हो सकता है कि कोई मानवीय गलती मुझसे हुई हो तो वो मुझे आप बताएं नहीं चूँकि संगना की बात हुई है तो संगना के संपादन में बहुत से लोगों ने इस तरीके के सवाल उठाए कि आपने पत्रिका संभाली उसके बाद अंक जो है वो डिले हुए कुछ समय के लिए जबकि पहले से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था आ, मुझे लगता है कि संगीत नाटक एकेडमी में जो माहौल था और वहाँ पे जो पहले के लेख आते थे मैं उनसे बहुत इतफ़ाक़ नहीं रखता था क्योंकि जब मुझे मिला काम अब ये तो बहुत आ, ऐसी बात होगी जो उसकी प्रक्रिया को खोल के बताया जो जो कि ठीक नहीं है तो मुझे लगा मैं नए ढंग से काम करूँगा तो मैंने शिखर सेन जी वहाँ पे वो थे उसके निदेशक थे तो मैंने कहा कि मैं आर्काइव चेक करना चाहता हूँ मुझे आर्काइव देखने की अनुमति दी गई और मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के जिनको संगीत नाटक अकेडमी की महत्तर सदस्यता मिलती है उनका आर्काइवल इंटरव्यू रिकॉर्ड होते एक आर्काइवल इंटरव्यू रिकॉर्डिंग गिरजा देवी में मैं भी उपस्थित रहा हूँ तो मैंने उनको सबको स्कूल टेप से उसको लिखे जाने की अनुमति ली सरकारी प्रक्रिया है वो होती है फिर वो ग्रांट होता है तो उसमें समय लगा और मैंने सबको ट्रांसक्राइब करवाया और जब मैंने सब ट्रांसक्राइब करवाया तो मैंने पहला ही अंक जो निकाला उसमें मास्टर फिदा हुसैन नरसी अंजनी बाई माल पेकर रसूल अनबाई बेगम अख्तर उस्ताद करीम, खां साहब और गुरु कार्तिक राम इन सब लोगों के इंटरव्यू थे मुझे नहीं लगता है कि आपको अंजनी बाई मालपेकर पे का इंटरव्यू कहीं मास्टर फिदा हुसैन नरसी का इंटरव्यू कहीं सरकारी तौर पे कहीं मिलेगा जो संदना के मेरे रजिब में आया है मुझे लगा मैं नए लोगों से लिखवाऊँ उससे बेहतर पहले मैं आर्काइव का काम कर लूँ फिर वो आर्काइवल काम करते करते गिरजा देवी पे एक अंक बनने की बात आई तो मैंने चूंकि एक महिला गायिका है इतनी बड़ी पुरोधा गायिका है तो मैंने उनके शिष्याओं से बात करने के अलावा मैंने महिला कथाकारों से बात की मैंने मनीषा कुलश्रेष्ठ गीता श्री यही यही चीज़ आ, एक चीज़ ये भी आती है कि यतिंद्र मिश्र आमतौर पर उन लोगों से नए लोगों से लिखवाते हैं जिनकी रुचि तो है लेकिन उनने संगीत पर कभी उस तरीके से काम नहीं किया तो उनको क्यों नहीं लिखना चाहिए क्या एक यतीन मिश्र ही काफ़ी हैं संगीत पर लिखने के लिए ये तो ये तो बहुत ख़राब बात होगी ये तो एक ऐसे बगीचे लगाने की बात है जहाँ से गुलाबी गुलाब है यहाँ जहाँ सिर्फ गेंदा ही गेंदा है फुलवारी तो तमाम तरह के फूलों से बनती है गुलदस्ता तो आप एक फूल से बनाते नहीं हैं और ये मेरी सोच आ, मेरे निर्णय की सीमा हो सकती है उसमें कोई बेमानी नहीं है जब मैंने आ, संगना का अंक संपादित किया अपा जी पे गिरजा देवी जी पे तो मैंने मनीषा जी से मैंने अनुलता नायर जी से ममता सिंह से गीताश्री जी से आशुतोष दुबे से लिखवाया आशुतोष दुबे का मैं बहुत मुरीद हूँ बहुत अच्छे कवि मित्र हैं और संगीत पे फिल्मों पे टिप्पणियाँ करते रहे उन्होंने कहा यार मत लिखवाओ तुमने तो खुद ही किताब लिखी हुई है मैंने कहा मैंने किताब बीस साल पहले लिखी थी मैंने लिख दिया तो कोई अंतिम सत्य तो है नहीं मैंने बहुत उनको प्रेश, वो प्रेशर डाला तो उन्होंने पांच शब्द चित्र लिखे गिरजा देवी की गायकी पे अनूठे हैं उसमें छपे हैं गीता जी ने बहुत अच्छा लिखा ममता सिंह ने लिखा अनुलता ने लिखा मनीषा ने लिखा मनीषा की किताब मैं मैं जानता था कि वो कथक की जानकार हैं और बिरजुलाए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने प्रेरणा श्रीमाली का बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था जान रहा तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो गड़बड़ तो नहीं है अख्तरी में मैंने प्रवीर झा डॉक्टर प्रवीर झा से लिखवाया नॉर्वे में बैठे हुए हैं संगीत तो बहुत अच्छा लिखते हैं मैं उनके पीछे पढ़ के उन्होंने कहा मैं क्या लिखूंगा मैंने कहा डॉक्टर हो गले की एनालिसिस कर दो <laughs> तो गले की जो जवादारी है और उनका उनकी आवाज़ की पत्ती है और जो साउंड उनकी ब्रेक होती है श्रिल करती है बहुत सुंदर लिख के दिया मेरे रूप में मेरे सोचने में आ, वो मुकम्मल था मैं ये दावा नहीं करता अंजुम कि मैंने परफेक्ट काम किया मैं ये दावा नहीं करता कि वही सबसे बेहतरीन काम है मुझे संतुष्टि है कि मैंने कुछ एक नए एक संपादक का काम क्या है कि वो अच्छे लोगों को नए लोगों को लिखा है मुझसे लोगों ने लिखवाया बड़े बड़े लोगों ने लिखवाया है प्रयाग जी ने जब काशी अंक निकाला था तो काशी की बाइयों पे मुझसे अंक निकलवाया लिखा था लिखवाया था कल्पना में और मैंने कहा मैं क्या लिखूंगा बोले तुमने गिरजा देवी पे काम किया तो तुम्हें लिखना पड़ेगा तो अगर मैं प्रयाग जी के आग्रह पे लिख सकता हूँ ज्ञान रंजन जी के आग्रह पर मेरे रुझान सबको पता है लेखन के और पहल में मैं किस पे लिख रहा हूँ किशोरी अमोनकर पे सिद्धेश्वरी देवी पे रसूलन बाई पे बेगम अख्तर पे उस्ताद अमीर खां पे भीमसेन जोशी पे ये पहल के लेख हैं तो जब मुझसे मेरे संपादक लिखवा सकते हैं तो मैं नहीं लिखवा सकता और जाए और एक बात के लिए मैं अपने को थोड़ा सा भाग्यशाली मानता हूँ मेरी बात सुनते हैं मेरे मित्र तो वो मानते हैं, हैं आगे बढ़ता हूँ और लता सुरगाथा पे आता हूँ क्योंकि ये सब बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी इस तरीके की बातें बहुत तरह की बातें आप जानते हैं चलती रहती हैं बहुत सी ऐसी बातें होंगी यतेंद्र जी जो लता जी ने छिपाई भी होंगी संभवतः और या फिर ऐसा हुआ होगा आपने जानकर भाई कई बार होता है ना जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है ऑफ कैमरा हम कुछ ऐसी बात करें जो ऑन कैमरा नहीं कर सकते हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि वो कैमरा पे जाए या आप भी नहीं चाहेंगे कि अंजुम इस तरीके के सवाल मुझसे कभी कोई करें ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो छिपाई होंगी आ, लंबा जवाब होगा जितना शॉर्ट कर सकें <laughs> पहली बात तो यह है कि एक दिन एक घंटा किसी का इंटरव्यू करना हाँ। और छः साल हाँ। कई सौ घंटे बात करना में बहुत अंतर है दूसरा कोई आदमी कितने दिन तक आपके आगे नकली बन के बात करेगा ठीक बात है घंटों सालों महीनों के दोस्ती में या परिचय में आपका ओरिजिनल चेहरा निकल आता है बिल्कुल दूसरी बात मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं बचा जो लता जी पे कंट्रोवर्सी की तरह लगता हो मैंने पूछा ना हो पी नैयर जी के साथ का विवाद आशा जी के साथ का विवाद एस डी बर्मन के साथ बनमुटाओ सुमन कल्याणपुर का मामला रॉयल्टी का मामला राज कपूर से अनबन सब पूछा मैंने प्रेम पर और सब बताया उन्होंने आ, प्रेम मैंने इससे नहीं पूछा कि मैं मेरा जो संस्कार है मेरी जो सीमा है मैं मैं लता की सांगीतिक यात्रा कर रहा था लता के प्रेम पत्र नहीं संपादित कर रहा था एक बात दूसरा आज के सौ साल बाद भी लता मंगेशकर जी या शुभ लक्ष्मी जी या रविशंकर जी किस बात के लिए जाने जाएंगे अपनी कला के लिए बिल्कुल और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उनके प्रेम के बारे में नहीं जानना चाहिए वो जिनका मामला हो जिनको लिखना हो वो नहीं इसलिए मैंने पूछा मैंने एक सवाल किया कि आपके आपकी मित्रताएं और सब तो उन्होंने जिन जिन के नाम लिए मैंने वो सब लिखा लता जी पिचासी साल की थी मैं पैंतीस छत्तीस साल का था एक दादी पोते की उम्र का गैप था और मैं उनका अतिशय अतरे की प्रशंसक रहा हूँ जब आप किसी की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें कमियाँ नहीं देखते उसमें अच्छाई खराब गानों में भी अच्छाई देखते हैं मैं ऐसे ऐसे गाने बोलता था जो कहती थी इतने ख़राब गाने अगर आपको पसंद है तो मैं आपको इंटरव्यू ना देती <laughs> तो ये बात भी होती आ. थी लेकिन मैं एक लेवल पे पहुंच चुकी एक पेडिस्टल पे खड़ी महिला जिसने पूरी भारतीय देश आज़ाद होने के साथ पूरी सांस्कृतिक यात्रा तय की है 47 से लेके अब तक सारे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है और उन्होंने स्त्री अस्मिता को जीवित रखा उन्होंने मेल डोमिनेंट सोसाइटी को दिखा दिया कि एक स्त्री की आवाज़ क्या होती है अश्लील गाने नहीं गाऊंगी तो नहीं गाया रॉयल्टी लिए बगैर नहीं गाऊंगी तो नहीं गाया आ, कहीं कोई चीज़ गड़बड़ हुई तो वो काम नहीं किया कैबरे नहीं गाऊंगी तो नहीं गाया फिल्म फेयर अवार्ड तब तक नहीं गाऊंगी जब तक पार्श्व गायकों को नहीं दिया जाएगा रेडियो में आपको नाम पुकारना होगा ये सब पायनियर काम है जो लता जी ने किए जिसका फ़ायदा आज की पीढ़ी ले रही है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे ये पूछूँ मैंने मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि जब ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप सर में कौन सा तेल लगाती हैं तो ये भी पूछा जा सकता है प्रेम या फिर आपके घर के सामने से फ्लाई ओवर निकल रहा था आपने उस पर राजनीति जो हुई थी आपने उस पर क्यों हाँ, वो, वो सवाल मैंने नहीं किया प्रेम प्रेम तो मैंने किसी से नहीं पूछा प्रेम तो मैंने गुलजार साहब से भी नहीं पूछा और मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कला सौंदर्य हिसाब से तो तो मैं तो कहता हूँ कि मैं अंतिम व्यक्ति थोड़ी हूँ जो लता जी पे काम कर रहा है आप करो प्रामाणिक काम तो किया ही आ, आपको आ, जो नहीं पूछा है हाँ। उसकी शिकायत है नहीं नहीं, और नहीं जो, शिकायत नहीं जो, है जो बात बस इतनी है कि एक सवाल जिस पर लोगों ने भी कहा कि ये कुछ सवाल है लता जी ने भी उसमें कहा कि अब इसका भी जवाब देना पड़ेगा रिलीफ देने के लिए कि एक सवाल मैंने उनसे किया मैं उन्होंने पैराशूट कहा कि मैं पैराशूट तेल लगा हाँ, हाँ। तो ये कहीं से उस आत्मीयता के विस्तार का मामला भी है कि इस समझ में कि लता जिसे वो उनके खान उनके पसंद का गुलाब जामुन पूछ रहा है उनके फेवरेट ऑयल और, पूछ और रहा है जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा ये भी लगा कि आपने उनसे साहित्य की बात की ये कलाओं की बात की सब जिसमें उन्होंने बकायदा कहा कि उन्हें कामायनी आंसू भारत भारती उन्होंने पढ़ी पढ़ा है, है। पुष्किन को पढ़ के मतलब उसमें उन्हों उन्होंने कहा बहुत सारी ऐसी बातें करती हैं बच्चन जी की बात करती हैं नरेंद्र शर्मा की बात करती हैं और मैंने एक सवाल ये भी किया मैंने कहा आप मुझे ये सब बता रही हैं आके आपने आज तक ये सब क्यों नहीं बोला तो कहती कि बेटा किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे वही रटे रटाए सवाल पूछे जाते थे कि आपने रॉयल्टी के लिए कर दिया मना आपने एस डी बर्मन को मना कर दिया सारे सवाल हैं और और ये भी मैंने लिखा है मैं बात मैंने शुरू में शायद इंटरव्यू में कहा है कि साहित्यकार का, का काम इतिहास लिखने वाले का, का काम किसी भी संपादक का काम जजमेंटल होना सही बात है तो मैं जजमेंटल नहीं हुआ हूँ मैंने उनके व्यू पॉइंट्स लिखे हैं और मैंने अपने ढंग से लिखा है ये कोई भी लेखक आलोचक पाठक और उनका प्रशंसक स्वतंत्र है ये जानने के लिए कि इसके दूसरे पहलू भी हो सकते कभी ऐसा हुआ यतीन्द्र जी कि आप उनसे सवाल कर रहे हों या आप चाह रहे होंकि आज उनसे बातचीत हो जाए और लता जी उस दिन मूड में ना हो कि आज मैं बात नहीं करूँगी एक बात बहुत बड़ी है दो तीन छोटे छोटे प्रसंग एक इसमें लिखा भी है जिस दिन लता जी को बात नहीं करनी होती थी या वह वे व्यस्त होती थी तो उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आता था दोपहर में अमूमन शाम सात साढ़े सात बजे वो फ़ोन पे आती थी तो चार पाँच बजे तक फ़ोन आता था कि दीदी आज व्यस्त हैं आज उनके घर में यश चोपड़ा जी का डिनर है या आज उनको फला कार्यक्रम में जाना कारण भी बताया जाता था और आज आप बात ना करिएगा या आज आप दो दिन बात करिएगा कल करिएगा तो मुझे छुट्टी मिल जाती थी एक और सबसे खतरनाक बात होती थी जब भारत क्रिकेट हार जाता था अरे और अगर सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो लता जी का दुख जो है वो पारावार नहीं उसका और मैं रोज़ मनाता था, था मैं बिल्कुल क्रिकेट क्रिकेट का प्रशंसक नहीं हूँ मैं रोज़ ईश्वर से अपने मनाता था, था कि जब तक मेरी किताब चल रही है भारत जीतता रहे सचिन खेलते रहें हंड्रेड बनाते रहें सचिन तेंदुलकर अगर हंड्रेड बना दिए हैं तो दो घंटे के इंटरव्यू पाँच घंटे कर लो लता जी को दिक्कत नहीं और हर हाँ पाँच मिनट के बाद आपने देखा वो वाला स्ट्रोक उसने कैसे लिया था जी दीदी दी, हाँ दीदी यही करता था मैं और अगर हार गया और कहीं सचिन आउट हो गए तो वो दुख तीन दिन पाँच दिन सात दिन फिर मैं जब पाँच दिन बाद फ़ोन करूँ तो उनका सेक्रेटरी कहे आजकल थोड़ा मूड ऑफ है दो दिन बाद फिर दो दिन बाद जब मैं कहूँ सात दिन विजय नौ दिन बीजे मेरा बी बढ़ने लगे तो वो कहें कि ये तीन जी मन बहुत खराब है दो दिन से खा भी नहीं पाई हूँ ठीक से वो रियल सेंस में क्रिकेट में डूबी हुई महिला और सचिन प्रेम तो सब जानते हैं जग जाहिर है तो बेटे एक सचिन तेंदुलकर वाला एस्पेक्ट हटा दें तो लता जी बात करती थी और लता जी बात भी कैसे करती थी मेरी तैयारी कैसे कराई यतीन कल नौशाद साहब पे बात करेंगे ठीक है अब हम नौशाद साहब की सारी तैयारी की है अपने क्वेश्चन बनाए हैं सब रेफरेंस बुक को खोल के रखी है सारा सॉन्गोपीडिया और सब खोला हुआ है सारा कुछ अब जब मैंने पहला सवाल दागा नौसाद तो कहती हैं आज मुझे आरजू लखनवी पे बात करने का मन है अब लियो अब हम आरजू लखनवी पे घंटा गोल हैं कुछ तैयारी करके नहीं आए तो मैं ये मैं फिर उन्हीं पे छोड़ देता था वो कुछ भी कहीं से उठाती थी और उनके मूड की बात थी और मैंने ये सीखा बुजुर्गों के सये में बैठ के कि उनके पास सुनाने को बहुत ब्रतांत है आपको सिर्फ छेड़ने की बात है आप छेड़िए रिकॉर्ड करिए आपको कोई मतलब की चीज़ निकलती है तो उसमें से बनाइए या फिर अपने सवाल बहुत आप जब कैलीग्राफ सवाल बना के जाते हैं तो वो लोग नहीं खुलते हैं और जब आप छोड़ देते हैं एक दिन उन्होंने कहा कि सब हीरोइनों पे तो मैंने बोल दिया मैंने कहा हाँ बोल दिया आपने और मैं मधुबाला मीना कुमारी नरगिस सब कर रहा था फिर कहती है, हेमा जी पे ठीक से बात नहीं हुई मैंने कहा हेमा जी पे तो आपने बहुत बोला है बोले वो मेरी बहुत पसंदीदा है थोड़ा और लिखिए लिखा फिर कहती है अच्छा अभी हो गया मैंने कहा जब हेमा जी हो गई तो रेखा जी भी बची अभी जया जी भी बची तो हाँ हाँ पूछो तो ऐसे वो बात करती थी बाल सुलभ ढंग से और एक दिन मुझे याद है कि मैं कहीं फंस गया था सात बज के पाँच मिनट पर मैंने फ़ोन किया तो दीदी ने बात की पूरे एक डेढ़ घंटे फिर जब मैं फ़ोन रखने लगा तो रोज़ की ये बात होती थी।, थी कि दीदी दी अब कल कब करना बोले तीन जी सात बजे करिएगा आपसे एक बात कह सकती हूँ मैंने कहा कहिए आप बुरा ना मानिएगा मैंने कहा नहीं अब मैं थरथर आ गया कि क्या बात हो गई बोले मैं गए एक घंटे से आपका जब इंटरव्यू चल रहा था तो मैं सात बजे से इंतज़ार कर रही थी फ़ोन का आपने सात पाँच पर फ़ोन किया इतने में तो मेरे दो गाने रेडियो पर बच के निकल जाते और जिस महिला की ज़िंदगी को जानने में कि आप इतने तलबगार हैं उसकी ज़िंदगी तो तीन मिनट के गानों से बनी मैंने माफ़ी मांगी उन्होंने कुछ भी उसका बुरा नहीं माना मुझे सीख दी समय की पाबंदी की ये पूरा प्रसंग मैंने किताब में लिखा और मैं एक बात आपको कहूँगा लता जी पे तमाम तरह से बातें होती हैं मैंने किताब लिखी इस किताब की तैयारी करवाई मुझे ज्ञान रंजन जी ने मैं नागपुर गया था एक इंटरव्यू देने एक प्रोग्राम में तो ज्ञान रंजन जी आए हुए थे तो उन्होंने कहा यतीन तुम लता पे काम कर रहे हो मैंने कहा तो मेरे साथ चलो मैं कहाँ चलें तो वो नागपुर में एक महाल एक जगह है वहाँ पे कबाड़ी के पास ले गए उसका नाम था हसमुख दलवाड़ी लकी प्रोविजन स्टोर उसकी दुकान का नाम था और प्रोविज़न स्टोर नहीं था कबाड़ की दुकान थी हमने कहा यहाँ क्यों ले आए आप बोले ये लता के गाने हैं इसके पास वो उस दौर में जब यूट्यूब पे सब गाने नहीं थे उसके पास सब गाने सब बहुत अच्छे से डिजिटलाइज वो सब रिकॉर्ड तवे से रखता था और पर सॉन्ग बेचता था मैं पूरी लिस्ट मैंने निकाली मेरे फ़ोन पे होती थी मैंने गाने दिए ज्ञान रंजन जी ने उसमें पैसे कम करवाए फिर वो गाने खरीदे कुछ पैसे कम पड़े वो ज्ञान जी ने अपने पास से दिए बोले अरे अरे तुम रखो फिर उससे मेरा संपर्क बना फिर ऐसे मैंने 6000 गाने कलेक्ट किए लकी प्रोविजन स्टोर से शाह म्यूज़िक से हैदराबाद से तो ज्ञान जी थे मुझे एक बार विष्णु खरे जी ने पकड़ा बोले लता पे काम कर रहे हो मैंने कहा बोले भावगीत जानते हो मारा का मैंने कहा क्या होता है अब विष्णु खरे को कौन बताएगा कि भावगीत क्या होता है डांट नहीं है तो हमने कहा आप बताइए तो विष्णु जी ने गा के सुनाया अरे अभंग गा के सुनाया तबला बजा के और कुंवर नारायण जी और भारती जी बैठे थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात है दिल्ली की और हम लोग चाय पी रहे थे और गाते गाते रोने लगे मैंने लता प्रेम देखा इन लोगों के मन में मुझे विजय मोहन सिंह मिले हाँ वर्धा यूनिवर्सिटी में मैं एक प्रोग्राम में गया था उन्होंने गाना उछाल दिया कि वो गाना हंसी हंसी ना रही खुशी खुशी ना रही उस पर बात करने लगे एक उर्मिश दवे होते थे दूरदर्शन में उन्होंने कहा आपने वो गाना सुना है बदली है जमाने की नज़र देखिए क्या हो मजबूर फिल्म का गाना मैंने कहा हाँ? वो उस पर लेक्चर दी मैं आपको बता नहीं सकता इस किताब के प्रोसेस को मैंने कैसे इंजॉय किया है जो व्यक्ति मिलता था अपने जमाने का किसी भी रूप में हर आदमी के पास गालिबा एक लिस्ट थी लता प्रेम की गाने की और उसकी अपनी एनालिसिस थी मैंने सबको एक्नॉलेज किया है मैंने विष्णु खरे का प्रसंग लिखा है और मैंने कोशिश की कि एक भारतीय परिपेक्ष में जो एक एक कन्नसर एक की तरह एक रसिक की तरह एक भावक की तरह आप जानना समझना चाहते हैं वो आप समझें मैं हमेशा कहता हूँ कि लता मंगेशकर एक ऐसी गायिका रही हैं जिन्होंने पुरुषों के भीतर स्त्रीत्व को जगाने का काम किया है क्या बात है मैं मैं कहीं भी उनकी बात करता हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलता हूँ क्योंकि आप देखिए ना उस वो, वो पूरा दौर देखिए जहाँ पुरुषों का बोलबाला था जहाँ पर लता मंगेशकर के साथ कम्पीट करने के लिए भी स्त्रियाँ थीं और पुरुष अपने घरों में लता के गाने गा रहे हैं ये कम बड़ी बात नहीं थी ये शायद अतिरेक लगे हाँ। जब सेकेंड फेज का कोविड हुआ मेरे घर में सब बीमार पड़े मैं सबसे ज़्यादा कोविड के चपेट में आया तो मेरे डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे फ़ोन करके कहा कि आप फेसबुक से हटिए टेलीविज़न से हटिए न्यूज़ से हटिए क्योंकि आप घबरा जाएंगे और जिस तरह से उस समय अपने इष्ट मित्र परिचितों की लेखकों की और रिश्तेदारों की मृत्यु हो रही थी मैं वाकई और क्वारंटीन में था मैं बहुत सीवियर कोविड में गया यहाँ तक मैंने कहा नहीं किसी को तो मैंने सबसे अपने को डिटैच किया 21 दिन 22 दिन मैं ठीक हुआ मैं उस इक्कीस बाईस दिन में सिर्फ एक सहारा लता मंगेशकर मेरे कमरे में मैं सिर्फ लता जी को सुनता रहता था और एक गाना उस समय मेरे दिमाग में अटक गया मुगल आजम का ख़ुदा निगहबान हो तुम्हारा धड़कते दिल का सलाम ले लो तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं उठो हमारा सलाम ले लो ये गाना मुझे पता नहीं क्यों राहत देता था इसमें मुझे पता नहीं क्यों ये ये एक एलर्जी है और बहुत दर्द भरे ढंग से गाई गई है उसने मुझमें उत्साह उस का संचार किया अब देखिए गाना कैसे आपके जीवन में काम करता है और उस गाने को मैं दिन में दस दस बार सुनता था मेरे वो कैसेट्स और वो मेरे सीडीज़ घिस गई होंगी उस फिल्म की फिर मैं लता के मीरा भजन सुनता था मैं लता जी के अलावा इक्कीस दिन किसी को सुना भी और मैं बिल्कुल चंगा हो के आपके सामने हूँ और मैं लता जी को फोन किया मैंने दीदी आपने बचाया कि तो बोले क्या मतलब है मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे बीमार था तो बड़ा उन्होंने कुशल सेम पूछा मैंने कहा डॉक्टर ने तो जो दवाई की कि आपके गानों ने दवाई की और मुझे तब उस बात का इल्हाम हुआ कि जब महबूब खान को हार्ट अटैक पड़ा था और लॉस एंजल्स से वो फ़ोन करते थे और लता जी उनको रसिक बलमा सुनाती थी तो मुझे वो थोड़ी सी कार्यजनोचित बात लगती थी लेकिन ये मैं आपको अपने मन की बात बताऊं मैं लता जी के गानों से राहत पाई है और मैं कोविड का क्वारंटीन निपटा पका निपटा सका अच्छा जब ये किताब बन तैयार हुई होगी और तो क्या लता जी ने देखा था मतलब इसका संपादन दो सवाल है यहाँ पर मेरे मैं दोनों एक साथ पूछ लेता हूँ क्योंकि मैं पर्याप्त समय दूंगा कि आप इसको बताएं पहला जब किताब बन के तैयार हुई अंतिम फेज़ में थी तो क्या लता जी ने इसको देखा और दूसरा क्या ये इतनी ही थी जितनी हमको दिखती है आ, पहली बात तो ये कि मैं अपनी किताबों के संपादन भी खुद करता हूँ और ये छूट मुझे मिलती है और मैं अच्छे से करता हूँ आपने अभी इल्ज़ाम के तौर पे कहा ही था अच्छा एक मज़ेदार बात कहनी है लता जी पे आने से पहले संगत के दर्शकों के लिए भी मुझे लगता है कि ये साहित्य की संगत नहीं है ये साहित्य की आपकी अदालत है वहाँ रजत शर्मा है यहाँ अंजुम शर्मा है तो ये आपकी अदालत अच्छी है वैसे तो मज़ेदार बात यह थी कि आ, मैं खुद ही एडिट करता हूँ समय लेता हूँ मुझे लगता है इतमान से काम करो दीदी पे काम ख़त्म करके मैं जब गया उनके पास तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया कि नहीं आना है घर तो मैं डर गया क्या चक्कर है तो मुझे लगा किताब रिजेक्ट हो जाएगी छः सात साल की मेहनत शाम को मेरे होटल में मिलने उनके सेक्रेटरी आए महेश राठौर और उन्होंने कहा कि दीदी ने आपके लिए कुछ उपहार भेजा है पत्र भेजा है वो सब मेरे पास सुरक्षित है संरक्षित है फिर उन्होंने कहा दीदी से बात करिए फ़ोन पे तो मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि यतेंद्र जी मैं माफ़ी मांगती हूँ यतेंद्र जी कहती थी मैं क्या मेरी हैसियत है बड़े लोग यतीन जी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं मिल नहीं पाई उसके पीछे एक कारण है मैं नहीं चाहती हूँ किताब छपने के पहले मैं या कोई भी इस किताब को देखे मैंने कहा आप क्या कह रही हैं इसको एडिट करना है देखना है बोलिए आप करो ना आपने इतने साल बात की बस ये जरूर करना कि मेरी उम्र हो गई है उस समय पिचासी साल की थी ऐसा कुछ नहीं लिखना जो बुढ़ापे में दर्द दे रसवाई दे बात छू गई और तुम लौट जाओ और मेरा आशीर्वाद है और छपने को दो फिर इसके बाद मैं भारी मन से लौटा अयोध्या और एक साल मैंने उसको री स्क्रूटनी की रिवाइज किया ठीक किया कि कहीं कोई भी ऐसे ऐसी बात या शब्दों के लिखने में कोई ऐसी बात ना हो जो उनके सम्मान के खिलाफ जाती हो और मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपने अपना सत्य कह रहा हूं अपने ढंग की बात कह रहा हूं मेरा परस्पेक्टिव मुझसे पहले नसरीन मुन्नी कबीर परमा सचिदेव तमाम लोगों ने काम किया और आगे भी काम होगा उन पर होना ही चाहिए तो वो मेरा पर्सपेक्टिव था फिर मैंने एडिट किया मेरे मित्र अनंत विजय जी बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत मज़ेदार हैं और बहुत पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी उन्होंने कहा कि कितने पेज की होगी मैंने कहा 900 कुछ पेज की है बोले डूब जाएगी किताब डूब <laughs> जाएगी तो मैं वो लता जी के और में था तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे डूबेगी दो वॉल्यूम में छपेगी कहीं कोई संचयता छापनी है हाँ। अरे किताब छापनी बोर क्यों करोगे और लता जी के बारे में दुनिया क्या नहीं जानती थे तुम नहीं जानते फोन पे बहस हुई उनसे उन्होंने कहा कुछ नहीं फांसो पेज से एक पे एक पन्ना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए री, री एडिट करो इसको ये करो वो करो पता नहीं किस पिनक में मैंने उसे झगड़ा कर लिया और वो भी वो बुरा माना या नहीं माना मुझे नहीं पता बात कट गई मैं इतना नाराज़ हुआ छः महीने बात नहीं की उनसे मज़ेदार आज छः महीने बात नहीं की मैं हर्ट हो गया अब लता जी को लेके हर्ट हो गया भाई लता जी पे काम किया है और आपको आप कह रहे हो कि ये चलेगी नहीं फिर एक ठंडे दिमाग से सोचा तो मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं हो सकता है हजार पेज कोई ना पढ़े ये एक्सपेरिमेंट है फ्लॉप हो गया तो तो मैंने उसको बहुत उससे काटते कूटते छः सौ पेज की किताब की 400 पेज अभी भी मेरे पास सुरक्षित है जो अभी छपी नहीं है किताब और वो अब छपेगी भी नहीं फिर उसके बाद जब चप किताब छपी मैंने उनको भेजी उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा की हर चैनल पे बोला आज भी वो कहते हैं कि तुमने तो लड़ाई कर ली थी <laughs> तो दोस्तों के भी अनुभव से आप सीखते हैं और आप अपने को चेक करते हैं रीएडिट करते हैं तो ऐसा काम किया और यही काम मैंने गुलजार साहब में भी किया कि उसको करने के बाद मैंने उसके कई फ्रेम कई ड्राफ्ट और मैं एक चीज़ आपके मन से कहना चाहूँगा उर्दू में इस्लाह की परंपरा है हर आदमी को अपने काम को करते समय उसके विशेषज्ञों से भी राय लेनी चाहिए लता जी की किताब में ये मदद मेरी यूनुस खान टाइम्स म्यूज़िक की गौरी आडवकर और शुभा मुदगल जी ने की जितना भी शास्त्रीय संगीत का पक्ष लिखा था मैंने शुभा जी को चेक करवाया कि आप एक बार देख लो कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ और जब मैंने गुलजार साहब का काम किया तो मेरे मित्र हैं बीबीसी में काम करते हैं अजीत सारथी वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक और परकशन के जानकार आदमी हैं तो मैंने उनको सारे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो एलिया राजा का डी का सब म्यूज़िक था वो चेक करवाया और यूनुस खान ने मेरी बहुत मदद की फैक्ट्स दिखा चल सेलेक्ट करने में पवन झा जी ने मदद की सलीम आरिफ साहब ने तो मुझे लगता है कि आपको राय लेते रहना चाहिए मैं पीयूष दैया का नाम लूँगा पीयूष मुझे टोकते रहते थे क्या लिखा क्या किया तो उसको ऐसे ही पता लगा कि आ, सारे नाम इसमें हैं नहीं मैं बताना जो चाहता हूँ तो गुलजार साहब पे जब मैं काम कर रहा था तो उसने कहा तुम काम कर रहे हो बोले हाँ तो उसने एक बहुत शानदार लिख भेजा जो मेरे पास नहीं था धर्मयुग में अमृता प्रीतम का गुलजार साहब पर लिखा हुआ फिर उसने मदद की तो आप जब एक काम करने चलते हैं ना जैसे लता जी के बारे में मैंने कहा कि विजय मोहन सिंह ज्ञान रंजन जी सब लोग विष्णु खरे सभी मदद कर रहे थे तो काम करते हैं तो आप मदद करते हैं लोग मैं खुद मदद करता हूँ मुझसे लोग जो पूछते हैं जो मांगते हैं मैं दे देता हूँ कि मेरी ये जानकारी और मेरी सीमा में चलिए लता जी से आते हैं शास्त्रीय है, संगीत की तरफ थोड़ा सा क्यों ये किताब गिरजा देवी पर आपने लिखी जबकि अगर आप देखें तो बहुत लंबी परंपरा रही है बनारस घराने में तो तमाम लोग रहे हैं सुधेश्वर देवी हैं तमाम लोग हैं रसूलन भाई हैं तमाम लोग हैं इसका एक सबसे जो तुरंत जवाब सोचता है वो ये है कि बीस बाईस साल की उम्र में लिखी गई मैं बनारस जाता था माननीय अवस्थी जी के पति श्री अवनीश अवस्थी जी वहाँ डीएम थे मैं उनके यहाँ रुकता था वो उनसे सीखती थी मुझे लेके जाती थी मैं उनके रिहर्सल्स में बैठता था तो सुनता था देखता था गुनता था नोट्स बनाता था एक दिन अपा जी ने कह दिया दो तीन कविताएँ लिखी वो साहित्य अमृत अरे सॉरी समकालीन भारतीय साहित्य में प्रकाशित हुई रिजा देवी जी को दिखाया डरते डरते उनको बहुत पसंद आई बोली पूरी किताब ना लिखा बचवा तो पूरी किताब ना लिखा बचवा के नाम पे किताब लिखने लगा तब जब वो अध्ययन किया उस समय का जो ज्ञान है जो उस समय का सीखा हुआ है जो अर्जित है वो इसमें आया मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जब मैं किताब लिख के गया तो निर्मल वर्मा जी से कहा जो गुरु तुल्य थे कि इसकी भूमिका लिख दीजिए उन्होंने भूमिका लिखी मैं आज भी ये दावा करता हूँ कि ये डेढ़ सौ पेज की किताब पे उनके एक, एक पन्ने की भूमिका हावी है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतना बड़ा रचनाकार एक बिल्कुल नवोदित रचनाकार के लिए कलम उठाना पसंद कर रहा है और बाकायदा उसको प्रमोट कर रहा है ये चीज़ में इस बात के लिए प्रिवलेज रहा कि निर्मल जी ने इसको प्रमोट किया और ये किताब छपी मतलब इस तरह से आई मैं और प्रभात जी पुस्तक मेले में, में टहल रहे थे और अरुण माहेश्वरी जी को दे आए और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली स्क्रिप्ट तो ये सब इसके साथ इतिहास में जुड़ा है लेकिन बाद में जब मुझे संगीत को मैंने ठीक से समझा पड़ा तो मैंने पहल की लेख श्रृंखला में मैंने सिद्धेश्वरी देवी पे लिखा मैंने रसूलन बाई पे लिखा आपको बताऊं मैं मैंने कभी बताया नहीं किसी को लता जी की किताब के बाद मेरा बहुत मन था कि मैं किशोरी अमनकर जी पे काम करूं तो किशोरी जी से बात होती रहती थी, थी फ़ोन पे और एक समय के बाद वो तैयार हो गई उन्होंने कहा तुम बम्बई कब आओगे तो मैंने कहा आप समय दें तो उन्होंने अप्रैल मई में कहा कि अच्छा मैं बताती हूँ तो तुम शेड्यूल कर लेना मैं फ़ोन पर नहीं रिकॉर्ड कराऊँगी मैं सामने से कराऊँगी लेकिन एक दिन पता लगा कि वो नहीं रही दो ऐसे लोग मेरे जीवन से निकल गए जिन्होंने हामी भरी और मैं काम नहीं कर पाया एक किशोरी जी और एक मुकुंद लाठ और मेरा दोनों से मन था कि मैं उनके शास्त्रीय पक्षों पर संगीत के बात करूं इसमें एक जगह चैप्टर पंद्रह आप लिखते हैं कि तेईस चौबीस जुलाई दो हज़ार आपके यहाँ वो प्रवास पर आई थी एक रात्रि हमारे बार बार मनोहार करने के बाद अपने बनाए नियम के विरुद्ध अप्पा राम विवाह गाने को तैयार हो गई कौन से नियम थे फोक uh, म्यूजिक नहीं गाएंगी संस्कार गीत नहीं गाएंगी मैं, सिर्फ ख्याल धुपद धमार ठुमरी टप्पा दादरा पब्लिकली uh, वो सब कुछ में शीर्षणाथ थी उनका एक गाया सिया रानी का चल सुहाग रहे राजा राम के सिर पे पाग रहे बहुत मशहूर है उनकी शिष्याएं मालिनी जी और सुनंदा शर्मा गाती हैं लेकिन संस्कार गीत विवाह गीत ये सब वो गाती नहीं थी पब्लिकली क्योंकि कई लोग बैठे थे मेरे मनुहार पे गा दिया फिर मेरे मनुहार पे स्टेज से राम का सेहरा गा दिया तो ये तो कलाकारों की अपनी सोच है कि वो कैसे करते हैं उसका सम्मान करना चाहिए अच्छा आपको क्या लगता है कि दादरा टप्पा ठुमरी जैसा आपने इसमें लिखा भी है मुगल दरबार की देन है है ना ठुमरी के बारे में आपने लिखा है और दरबारी व्यवस्था आमतौर पर सर्व स्वीकृत नहीं होती है ऐसा क्या हुआ या फिर क्यों ऐसा है कि दादरा टप्पा ठुमरी जैसी विधाएँ गायकी की जो पक्ष हैं ये इतने बड़े लेवल पे जाके स्वीकार किए जाने लगे देखिए ये बात तब की है जब शास्त्रीय संगीत राजघरानों के आश्रय में पलते थे आज देश आज़ाद है ना लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी में जब कलावंत हुए जब अकबर के बादशाह के दरबार में तो गुड़ीजन तो सिर्फ ध्रुपदीय थे या विष्णुपदीय थे, हुँ। थे हुँ। या उस तरह की वीणा बजाने वाले लोग थे अमीर खुचरों का दौर एक हज़ार साल पहले का है तो हमेशा पेट्रोनाइजिंग चाहती हैं कलाएं तो वो पेट्रोनाइज़ करने वाले कौन थे नवाब राजा महाराजे सामंत रसिक या बड़े घर घरानों के लोग जो पैसा दे सकते हैं जो सौ लोगों को बुला के भोजन करा सकते हैं और गाना गवा सकते हैं तो एक तरह से वो दरबारी कला मान ली गई फिर वो बाद में बहुत सारा उस पर डिबेट है कि वो फाइज अली शाह के दौर में कैसी हुई और तमाम दूसरे लोगों के उसमें हुई जब देश आज़ाद हुआ और जब खुले तौर पर कलाओं की स्वीकृति हुई और संगीत नाटक अकादमी या साहित्य अकादमी या ललित कला अकादमी जैसी संस्थाएं बनीं और बाकायदा मेंशन हुआ कि इनके बायलॉज में कि ये सब गायक गायन की मानक विधाएं हैं और उनमें हम आगे बढ़ाएंगे इन कलाओं का संरक्षण करेंगे इन कलाओं में सम देंगे फेलोशिप देंगे तब वो फिर वो सरकारी आई फिर वो पैट्रोनेज में हाँ। लेकिन वो संस्थानिक सर, उसमें आ गई गैर संस्थानिक और सरकारी उसमें आ गई सिवाय इसके कि वो राजा महाराजा या कलावंतों के यहाँ और फिर वो गाई जाने लगी अब इसमें भी एक एस्पेक्ट है कि गिरजा देवी कहनवा मानो ओ दिल जानी हरिश्चंद्र का खेमता का पद है वो गाती हैं कहनवा मानो हो राधा रानी तो अब उन्होंने बदल दिया उन्होंने पूरा बंदिश बदल दी तो अब बंदिश तो ललन पिया कदर पिया सनद पिया इन्हीं लोगों ने लिखा है जो राज आश्रय में रहे बैजू बावरा ने लिखा तानसेन ने लिखा आपके बख्शु नायक ने लिखा प्रेमलता शर्मा ने एडिट किया संगीत नाटक के लिए सहस्रस नाम से एक हज़ार ध्रुपदों का संग्रह है गोपाल नायक के तो वो सब चीज़ें जब पब्लिक में आने लगी उस तरह के कॉन्फ्रेंसेज शुरू हुए भीमसेन जोशी ने शुरू किया अपने सवाई गंधर फेस्टिवल कलकत्ता में डोवर लेन और तमाम जगहों पर जलंधर म्यूज़िक फेस्टिवल होता था तो फिर धीरे 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 स्वीकृत हो गई समाज में आ गई पहले वो एक ख़ास अलीट क्लास में रहती थी मुझे मुझे याद आ रहा है आ, मैं ग्रेजुएशन में था मैंने अपा जी के तीन या चार आ, मतलब गाय की जब सुनाऊंग हाँ, बिल्कुल तीन या चार मैंने उनके प्रोग्राम जैंकर किए थे जी जी तो एक बार रात हो रही थी वहाँ पहले ओवर नाइट भी हुआ करती थी रात हो रही थी तो सब जाने लगे अंतिम वो गा रही थी फिर जैसे होता है फरमाइश आती है तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बताओ क्या और सुनोगे तो मैं पीछे से बोला मैंने कहा सिया संग झूले ललना ललना तो बोल रही है अरे रात हो रही है सो रहे होंगे क्यों जगा रहे हो उनको तो सब लोग इतना तेज़ हंसे उसके बाद उन्होंने गाया हाँ। गाया तो बहुत मतलब जिस तरह से आपको वो देखती थी और मतलब अलग अद्भुत व्यक्तित्व था उनका कुछ गायकी या कुछ सीख कभी कभी यतेंद्र जी ऐसी होती हैं जो आपको अपने गुरुओं से मिली तो होती हैं लेकिन आप उनका प्रदर्शन नहीं करते हैं कुछ ऐसे राग या कुछ ऐसी चीज़ें बताई अपा आप जी ने आपको सब बताया है मैंने लिखा है सुनंदा जी ने तो वो बताया नहीं मुझे उन्होंने बताया कि गुल बैत नक्श धरु कौल कलवाना ये तमाम सारी चीज़ें तब ख्याल अब कोई नहीं गाता है उस तरीके से तो वो सारी चीज़ें हैं कुछ एक उनकी परंपरा की बंदिश थी बगिया में बोले मोरे नही का सुगना नही के लाली लाली ठरवा की हरी हरी पखिया नही का एक बंदिश थी कहती थी अब मैं नहीं गाती बहुत सारे पद बहुत लोग नहीं गाते शांति हिरानंद जी ने कहा था कि, कि जो अंतिम नहीं करना चाहिए कई बार ऐसा कुछ ऐसा सीख होती ये है। तो मुझे लगता है कि उनके गुरुओं की बताई हुई सीख है जो उन्होंने हाँ। बताया है अब जो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए तो हमारे आगे भी नहीं करेंगे प्रदर्शन जैसे इसमें सुनंदा जी ने बताया कि लेकिन जा, जाते जाते उन्होंने अपा जी जी ने सुनंदा को सिखा दिया देखिए परंपरा परंपरा जीवित रहती है हाँ। तो परंपरा का तो पैटर्न कोई लेके आगे बढ़ेगा तो उस तरीके से तो आगे बढ़ी मैं सुनंदा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं खुद मेरी बहन है और मेरी राखी बहन है मैं उनका बहुत बड़ा फैन तो अब ये ये तो सवाल इसके लिए मुफीद आदमी सुनंदा शर्मा अपा जी हैं उससे सवाल मत करो <laughs> कि मैं कैसे बता सकता हूं कि किस परंपरा में क्या गाना है क्या नहीं गाना मैंने तो दस्तावेजीकरण कर दिया और नीलेश मिश्रा गांव कनेक्शन वाले मेरे दोस्त हैं मुझे कहते हैं कि यार तुम क्रॉनिकलर बड़े मज़ेदार हो हैं। तो वो मैं वो क्रॉनिकल कर देता हूँ बाकी वो उससे पूछो जाके जिसकी मुझसे कई बार लोग कहते हैं आपने शास्त्रीय ढंग से ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा मैंने कहा देखिए मैं क्रमिक पुस्तक मालिका संगीत के नहीं लिख रहा हूँ उसके लिए विश्व दिगंबर पलुस्कर विश्व नारायण भातखंडे हैं आप जाओ उनके शास्त्रीय राग की रागदारी सीखो मैं एक रसिक के तौर पर बात कर रहा हूँ आपको उस आस्वाद में आनंद आए तो ठीक है नहीं तो स्वांता वो सुखाए रघुनाथ गाथा है एक सवाल और इसी के चैप्टर तेईस में आप लिखते हैं अप्पा के हृदय में रहने वाली श्रद्धा जो गंगूबाई के प्रति है देख लगता है क्या गंगूबाई जी के मन में भी किसी अपने पूर्ववर्ती या समकालीन कलाकार के प्रति इतनी श्रद्धा होगी को लगता नहीं है जब इस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनके मन में होगी तो कहीं प्रश्नांकित कर रहे हैं गंगूबाई हंगल को ये 20 साल की लड़की की सोच है जब वो गंगूबाई संघ हंगल को भी नहीं जानता है तो मुझे जो भावना दिखती थी बहुत अच्छा है कि ये सवाल आ गया कि गंगूबाई जी आ, के मन में भी होगी कि गंगूबाई जी टावरिंग पर्सनालिटी लेकिन जब मैंने गंगूबाई जी को सुना तो वो अपने गुरु के पीछे पागल थी सवाई गंधर्व के पीछे हाँ। मल्लिकार्जुन मंसूर को बहुत पसंद करती थी हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मन से कहना चाहता हूँ एक परंपरा रही है हम लोग उस जनरेशन के लोग रहे हैं हाँ। कि गुलजार विमल राय को याद करते हैं ऋषिकेश मुखर्जी जब मैं वे बात किया अलग गुलजार साहब से तो वो तो बिमल राय की बात करते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की बात करते हैं शैलेंद्र की बात करते हैं साहिर की बात करते हैं जब मैं लता जी से बात करता था तो केल सहगल की बात करती थी मुकेश भैया की बात करती थी जोहरा भाई अम्बाला वाली राजकुमारी की बात करती थी नूरजहाँ के पीछे पागल थी जब मैंने गिरजा देवी पे बात की तो वो गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी और अमीर खां की बात करती थी जब मैंने सोनल मानसिंह जी से बात की तो बाला सरस्वती रुकमणी देवी अरुणेल मैडम मेनका की बात करती मैं मैंने अभी एक आपको बात नहीं बताई मैंने कोविड के दौरान पूरे साल भर इंटरव्यू रिकॉर्ड किया बिरजू महाराज जी का वो किताब भी कभी आगे आएगी जब मैं बिरजू महाराज जी से बात करता हूँ तो वो शंभू महाराज जी और वो कंठे महाराज जी की बात करते कोई अपनी बात नहीं करता है वो सब सराहने वाली पीढ़ी है ये पीढ़ी कहाँ चली गई ये आज क्यों नहीं है आज हम आज मै में मैम क्यों है आज हम क्यों नहीं हैं जो गुलजार साहब शैलेंद्र और साहिर को लेकर इतने दीवाने हैं या लता जी राजकुमारी और नूरजहाँ को लेकर दीवानी है हमारी पीढ़ी में से वो कहाँ गायब हो गया यतेंद्र जी आपने शास्त्रीय सुगम और लोक संगीत सारी परंपराओं का अध्ययन किया हो किया हुआ है अगर हमें अपनी परंपरा को समझना हो इन तीनों को समझना हो वो कौन से बड़े नाम हैं जिनको सुनकर या पढ़कर इसे समझा जा सकता है आ, संगीत के संदर्भ में संगीत के संदर्भ में मुझे लगता है कि प्रामाणिक ग्रंथों को जरूर पढ़िए नंदिकेश्वर को पढ़िए विश्व धर्मोत्तर पुराण पढ़िए और जय ठाकुर जयदेव सिंह का भारतीय संगीत का इतिहास सुशीला मिश्रा शीलाधर मोहन नाटकर्णी चेतन कर्नानी उसके बाद इन सब लोगों का काम पढ़ना चाहिए आज के दौर में शुभा मुद्गल जी बहुत अच्छे संगीत विषय कॉलम लिखती हैं उसको पढ़ना चाहिए मिंट में लिखती हैं और अनीश ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं अनीश प्रधान ने म्यूज़िक पे आ, कुछ बहुत अच्छे नावल लिखे गए नविता देवी दयाल ने अपनी गुरु ढंडू टाई कुलकर्णी पर एक, एक किताब लिखी केसर बाई केरकर उनके रिश्ते पे द म्यूज़िक रूम बहुत अद्भुत काम है जैज़ लैटिन अमेरिकन वेस्टर्न फोक सब तरह का म्यूज़िक सुनिए पढ़िए समझिए और भंगड़ा भी देखिए कवाली भी जानने की कोशिश करिए सूफी म्यूज़िक समझिए रिख्त ने ही शायद वो किताब निकाली है गुलदस्ता है कवाली कवाली की पूरी सीरीज़ है और बहुत सुंदर उसमें काम है तो मुझे लगता है कि एक दिन में तो नहीं आता है हाँ। और एक दिन में आप समझ नहीं सकते जैसे मैं यहाँ पे अयोध्या में जब देखता हूँ तो यहाँ सामगाम की रामधुन की परंपरा अलग है कहीं विष्णुपद की परंपरा अलग है कहीं पे सामवेदी पाठ गायन होता है कहीं मंत्रों का उस तरह से है फ़ोनेटिक्स पे काम होता है हाँ। तो बहुत चीज़ें हैं और सुनिए पहले आ, शास्त्र पढ़ करके आदमी रफ हो जाता है मुझे लगता है कि पहले रसिक बनने की ज़रूरत है एक आचार्य बृहस्पति बहुत अच्छी बात कहते थे मैंने विस्मय का बखान में लिखी है कि सरस्वती की जो अवधारणा है वीणा पुस्तक धारणी है कि एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में पुस्तक है तो बोले साहित्य और कलाओं में और समाज में जब तक वो साथ नहीं तब तक तो सब रसिक थे विद्वान थे संगीत वालों ने सरस्वती और उनको दोनों को आधा आधा काट लिया संगीत वाले अपनी सरस्वती वीणा लेके भाग गए साहित्य वाले किताब लेके भाग गए तो संगीत वाले आ, संगीत तो सीख गए ज्ञान घट गया और ज्ञानी लोग जो है ज्ञान ज्यादा पा गए शुष्क हो गए रसिक नहीं गये। रहे गये। तो दोनों का तालमेल बिना बना के चले तो मुझे लगता है कि संगीत समझ सकते कभी ऐसा लगा कि मूल रूप से आप कवि हैं है ना पहले कविता संग्रह कवि कविता कविता कहीं कहते हैं कभी ऐसा लगा कि आपका जो ये बाकी सारा काम है बायोग्राफीज का और जिस हिसाब से आप संगीत और तम तमाम विधाओं पर लिखते हैं इसके चलते कविताओं पर कम बात होती है मैंने भी जैसे आज बहुत कम बात की आ, मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए कुछ नुकसान उठाना पड़ता है और ये सब सोच के मैंने कभी काम नहीं किया ये ये सब मेरे एजेंडे में शामिल नहीं हैं कि मैं कितना कवि माना जा रहा हूँ कितना क्रॉनिकलर माना जा रहा हूँ कितना संगीत का जानकार माना जा रहा हूँ या सबका मिला के घाल मेल कुछ नहीं माना जा रहा हूँ ये सब समय पे छोड़ देना चाहिए कविता मैं आज भी लिखता हूँ और मेरे कविता आ, थी? महीने दो महीने पहले लिखी होगी और तो छपवा नहीं रहे मैं छपवा नहीं रहा हूँ ऐसी पत्रिकाएं दिखती नहीं कभी कभी मित्र लोग मांग लेते हैं कभी अरुण देव समालोचन के लिए या प्रभात जी मांगते हैं तो मैं जरूर देता हूँ कभी आग्रहपूर्वक दे देता हूँ कि मैं दे रहा हूँ ये लिखा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का मूल्यांकन अभी हो जाएगा या क्या माना जाएगा और क्या नहीं माना जाएगा इसको लेकर तो नहीं चल सकते फिर जैसे आज आपसे बात हो रही थी ऑफ द ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग जब संगत शुरू हुआ तो नहीं रहे दुनिया में हाँ। आज मैं ही आपके मन से कह रहा हूँ कि मैंने जो है गंवाया मुकुंद लाठ को और किशोरी जी को तो मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर लूँ उनकी बातें कह दूँ कलाओं में मेरी एक थोड़ी सी गति है मुझे उसमें आनंद आता है लिखने पढ़ने में मेरी अपनी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें मैं डूबता उतरता रहता हूँ इत्मीनान से काम करता हूँ कहीं पीछे छूटने की कहीं आगे निकलने की कोई हौर नहीं है मुझे आनंद आता है और मुझे अपने समकालीनों को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है मैं अभी संगीत की बात कर रहे हैं मैं अंबर पांडे की एक कहानी याद करूंगा पाद की रूढ़ी क्या कहानी लिखी उसने पात की रूढ़ी पढ़ के मैंने उसको फ़ोन किया मैंने कहा यार क्या सुंदर काम कर दिया तुमने या संजीव की मानपत्र पढ़िए तो पंडित रविशंकर की और उनकी अन्नपूर्णा देवी की जीवन पर उनकी कहानी तो जरूरी नहीं कि हर काम यतीन्द्र मिश्र करें अब यतीन्द्र मिश्र शाह की कंजरी नहीं लिख सकते अमृता प्रीतम की कहानी यतीन मिश्र राजेंद्र सिंह वेदी की कल्याणी नहीं लिख सकते या कोई दूसरा लता सुरगाथा नहीं लिख सकता तो करने दीजिए आराम से करते हैं मेरे लिखने से थोड़े लोगों को अच्छा लगे मेरे पास बहुत बुजुर्ग महिलाओं के फ़ोन आते हैं मेल आते हैं मैसेंजर में मैसेज आते हैं हम लता जी को सामने से देखना चाहते थे आपने इंटरव्यू में ऐसा कर दिया कि हमें लगता है इसे सामने मेरे कमरे में बैठ के बोल रही हम मैं बहुत आपको आशीर्वाद मुझे लगता है मेरा काम हो गया जब मुझसे कोई पूछता है कि अयोध्या के बारे में कुछ बताइए तो मैं कहता हूँ ये ले जाइए शहरनामा ये ले जाइए संगीत परंपरा, आप पढ़ लीजिए आपको मेरे द्वारा जो लिखा है वो मिल जाएगा तो मुझे थोड़ी सी आश्वस्ती होती कि चलो मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा अब इसमें मैं कभी बहुत दिमाग नहीं लगा कभी तो ऐसा लगता, लगता नहीं है कि जब एक विधा से दूसरी विधा के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो जोग मिश्र जाहिर सी बात है क्रोनोलॉजी कर लिखते हुए क्रॉनिकलर लिखते हुए होते होंगे वो कविता लिखते हुए नहीं होते हुए, मिल होते होंगे कैसे बायफरकेट कर पाते हैं खुद को वहाँ पर अंजुम शर्मा जब रिकॉर्ड कर रहे ये होते ये हैं और अंजुम शर्मा जब पढ़ रहे होते हैं और जब अंजुम शर्मा कॉफ़ी <laughs> पी रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ बल्ली मारान की गली में एक ही होते हैं क्या ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है अच्छा <laughs> इसका साहित्यिक आंसर दिया जाए तो कवि तो हर समय नहीं हो सकता कभी होने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है आपके सब्जेक्ट पे वो बात आती है कि नहीं आती है लेकिन कोई भी चीज़ मैं लिखने से पहले सौ बार सोचता हूँ मैं पढ़ता बहुत जैसे ड्यूढ़ी पर आलाप हाँ बिम्ब बहुत ही शानदार है इस नाम की कोई कविता इसमें नहीं है।, नहीं है हाँ। मैंने देखा कैसे ही बिम्ब आया पर आलाप संगीत है ड्योढ़ी है बहुत सुंदर है वो सब जो इसमें एक ढोल कविता है इसमें एक हाँ, नगाड़ा हाँ, कविता हाँ. है इसमें एक ऐसी चीजें हैं जो डाउन ट्रॉडन की हैं जो बिल्कुल वंचित समाज से आती हैं ढोल कैसे मढ़ा जाता है कैसे बनता है उसमें कितने वन प्रांतर की पुकार है तो मुझे लगता है कि ऐसी ड्योढ़ी पर जाकर जहाँ शब्द और सुर का संधान किया जा सकता है मेरी आलाप भी शामिल हुआ वाह वाह विभास पर आ रहा हूँ आपकी विभास पचास कविताएं पाँच अलग अलग खंडों में बहुत सुंदर उनके नाम पांच विशेषज्ञ जिन्होंने कबीर पर या पांच अध्येता अध्येता ज़्यादा बेहतर शब्द है जिन्होंने कबीर को समझा उन पर काम किया कैसे इसकी योजना बनी क्यों उन्हीं पाँच को आपने चुनाव किया और क्यों इनको पाँच में बैफरकेट किया आ, जो सच्चाई है वो ये है कि कबीर के बिंबों पर मैं काम कर रहा था और मुझे लगा था कि कंटेम्प्रेरी ढंग से मैं बात कहूँ कबीर आ गया कर मतलब वो है जो घर फूके अपना चले हमारे साथ तो मैंने लिखा है हम घर जला देंगे तो कहाँ जाएंगे बदल जाता है आज के समय में आकर के विभाष में संग्रह में अभी निकाल सकता हूँ यहाँ पे जी तो मुझे लगा कि जब मैंने कविताएँ लिखीं तो ढेर सारी कविताएँ लिखीं लेकिन बहुत संयम के साथ तो बहुत कठिनता मतलब जैसे बहुत क्रूर उसका वो किया बहुत ही हार्ड एडिटिंग uh, करके पचास कविताएं चुनी फिर uh, मेरे मित्र हैं मनीष पुष्कले बहुत बड़े चित्रकार हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी हैं उनकी एक मैंने साखी सफ़ेद साखी किताब पढ़ी थी पीयूष दैया ने डायलॉग किया था तो मैंने उसको कहा कि इसकी तुम्हें डिज़ाइन करनी है कवर डिज़ाइन करना तो उसको पूरा संग्रह भेजा उसने कहा पूरा कविताएँ पढ़ूँगा तब डिज़ाइन करूँगा तो उसने मुझे राय दी पीयूष अरे मनीष ने कि तीन इसको पाँच खंडों में बाँटो और पांच इसमें एलिमेंट डालो और पांच अलग अलग विशेषज्ञ इस पर लिखें तो मैंने कहा यार प, पचास कविताओं पे पांच लोग एंडोर्समेंट कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता बोले नहीं करो तुम करो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर इस तरह से लिंडा हैस और प्रहलाद सिंह टिपानिया और पुरुषोत्तम अग्रवाल और अशोक जी सब लोग आए और बाद में गुलजार साहब ने पीछे बैक बो किया बैक किया तो ये पूरी अवधारणा किताब की डिज़ाइनिंग को लेकर के ले और बैठ के कराने की यहाँ तक कि बाकी सबसे मैंने रिक्वेस्ट की मैं लिंडा हैस के काम से परिचित था उनकी किताब देखी हुई थी लेकिन मेरा कोई अप्रोच नहीं था वो मनीष ने ही उनसे कहा कि आपको मैं कविताएं भेज रहा हूँ ये सेट कविता है वो दस ही दस कविताएँ भेजी गई उनको जिनको उस पर लिखना था और फिर उन्होंने लिखवा के मंगाई तो इस तरीके से विभाष बना आपकी एक और पुस्तक है बिस्मय का बखान जी मेरे जीवन की वो पहली किताब है जिस पर मैंने समीक्षा लिखी थी द पब्लिक एजेंडा में अरे वाह मंगलेश जी ने मुझे कहा कि समीक्षा लिखो मैंने कहा अरे की नहीं है करे पढ़ते तो हो ना करके देखो और भेजो सीख सीखने का भी एक दौर होता है तो मैंने वो पहली वो किताब थी विस्मय कमा खान जिसकी मैंने समीक्षा की थी तो बहुत प्रिय है मुझे एक और आपकी किताब है भैरवी जी अकमहा देवी की कविताएँ हैं पिछले दिनों एक और किताब आई अकमहा देवी की गगन जी की आपने अपनी किताब में भी उनका उनका उन्होंने अपनी किताब में आपको टेक्नोलॉजी हाँ, किया है आपको लगता है अक्क महादेवी एक तो आज से कई साल पहले अक्क महादेवी की कविताओं को लाने का विचार कैसे बना और आपको लगता है कि आज के दौर में स्त्री विमर्श की वजह से अक्क महादेवी को बहुत ज़्यादा इधर देखा जा रहा है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा सिवाय इसके कि मैं अपने मौज का काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है जब मैं एच एस शिव प्रकाश और ए के रामानुजन के ट्रांसलेशन पढ़ रहा था और वो स्पीकिंग ऑफ शिवा तो मैं मैसमराइज था कि ये क्या बात कह गई सन 2011-12 की किताब है भैरव आज से 12 साल पहले आई और मैंने अनुवाद करना शुरू किया फिर बाद में पता लगा कि अनुवाद के फिर राइट्स लेने पड़ते हैं सब है वो सब अरुण जी ने लिए फिर मैंने एच एस शिव प्रकाश जी जीवित थे उनको कहा कि आप इसको देखो टेक्स्ट चेक कर लो क्योंकि डायरेक्ट कन्नड़ के वचन से नहीं थे इंग्लिश ट्रांसलेशन पे थे फिर एक शब्द है हिंदी में राजशेखर का चलता हुआ स्वीकरण किया पुनर्लेखन करते हैं और उसके भाव के बगल लाते हैं तो वो सब करते हुए मैंने काम किया किसी मैं खास किसी मकसद को लेके मैंने नहीं किया था वो अलग बात है कि उस आज वो स्त्री विमर्श में उनका बड़ा नाम है और उसमें मेरी किताब के भी दो चार अनुवाद अगर पसंद किए जाते हैं लगन जी ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तेजस्वनी नाम से मैंने दैनिक जागरण के अपने उसमें कॉलम में उसका जिक्र भी किया आ, अपने मन में आया तो मैंने किया मेरे मन में आया तो मैंने भैरवी किया मेरे मन में आया तो मैंने बिसमल्ला खां किया मेरे मन में आया तो लता जी ने के लिए किया और मेरे मन में आएगा कुछ तो और करूँगा मैं ये सब सोच के नहीं करता हूँ कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा जो मिल गया वो ठीक है आपकी कविता है कितना मुश्किल है कितना मुश्किल है कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे कुछ भी ना छूट रहा हो इतना काम किया कुछ छूटा पीछे कुछ छूटा मैं अपनी सफलता से ज़्यादा अपने परिवार को तोज्जो देता हूँ और मुझे लगता है कि आ, मेरी दादी नहीं है हुँ. मेरे गुरु लोग नहीं हैं मेरी बुआ नहीं रही जो अलंती बुआ वो ब्रेन कैंसर से चली गई उनको रोज़ मिस करता हूँ अपने परिवार को मिस करता हूँ यही सब छूट गया है पीछे सफलता असफलता किताब कहानी कविता ये कोई मायने नहीं रखते मेरे लिए तब तक जब तो तक तो मेरा परिवार शामिल नहीं है मेरे आदमी लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने मुझे गढ़ा है जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो नहीं है आज वो नहीं है तो फिर सब बेमानी लगता है वो छूट गया है और अपने प्रियजनों को खोना इससे ख़राब कोई बात होती नहीं इससे बड़ा दुख इस संसार का कुछ नहीं हम लोग अयोध्या में रहते हैं बीतरा की शहर है बैरागियों का शहर है। बैराग नहीं हो पाता लेकिन ये जरूर है कि मैं ढूंढता हूँ उनको मैं जब बहुत परेशान होता हूँ तो मैं अपनी दादी का चेहरा याद करता हूँ अपनी बुआ को याद करता हूँ मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर पाऊंगा उसकी कमी बहुत खलती है और कोई संगीत कोई साहित्य कोई ज्ञान की बात कोई परंपरा पूरा नहीं कर पाती सब बेकार लगता है कोई ऐसा काम जो लगता हो कि जिन लोगों का आपने अभी जिक्र किया जिनको आप खूब याद करते हैं अपना कोई ऐसा काम आपको लगता है कि अगर ये सारे लोग देखते तो मुझ पर गर्व करते हैं मेरे काम को ना देखें मेरे काम में कुछ गर्व करने लायक ना हो वो तो मेरे सामने होते तो ज़्यादा अच्छी बात थी तो उनको साक्षात अपने सामने देखता वो तो मेरी जिंदगी में शामिल होते ये ज़्यादा ज़रूरी था बन कि मैं सफल हो गया मेरी किताबें आ गई और वो है नहीं ये कष्ट नहीं कह सकता अंजू बेकार है सर उस अर्थ में बाकी ठीक है जहाँ भी हैं वहाँ से देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है ज़रूर देख रहे होंगे कि मुझे राह दिखाते हैं इतना काम भी ज़रूर देख रहे होंगे कम से कम आपने शुरुआत में दादी का जब जिक्र किया और कहा कि कुछ ऐसा करना कि जो वो नहीं कर पाए परंपरा को संरक्षित रखने के लिए संगीत को वो आप कर पाए और आप नहीं जैसे मेरा परिवार है मेरे माता पिता हैं तो उनको बुजुर्ग होते हुए देखना मैं कल्पना नहीं कर सकता उनके अशक्त होने की हालांकि ये सबके जीवन में आता है ये मेरे जीवन में भी आएगा वो जितना टला रहे वो सुख मुझे चाहिए धन्यवाद इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और आप जैसे मित्र याद करते रहें कुछ दोस्त जीवन में बने रहे वो मुझे सलाह देते रहे डांटते रहें लड़ते रहे अनंत विजय जैसा मित्र हो कि छह महीना लड़ने के बाद भी वो प्यार करे <laughs> अंबर पांडे जैसा दोस्त हो अंजुम शर्मा जैसा दोस्त हो मेरे मैं, मैंने साथ लिखना शुरू किया नीलेश रघुवंशी और हमने उसका घर निकासी आए और हम जब भोपाल जाते हैं नीलेश से मिलते हैं तो हम लोग बात करते हैं वो मुझसे हमेशा कहती है कि अपने परिवार के किस्से लिखो तुम इतने किस्से हमें सुनाते हो हमें तुम्हारे परिवार की जा, कहानी जाननी बता क्या करना है जान के मेरे को जानू तो ये है और मैं साहित्य कलाओं और संगीत की दुनिया में मेरे बतेरे लोग हैं दोस्त हैं एक बड़ा परिवार है अच्छा एक बात बताइए पता नहीं सही पॉइंट है पूछने का या नहीं है जैसे प्रिविलेज फैमिली तो है इसमें तो कोई दो राय है नहीं आपने कहा कि भले ही हम उस आप तो उस तरीके से आपको माहौल ना मिला हो लेकिन प्रिविलेज परिवार है तो बाहर एक बात ये भी जाती है या किसी को भी देख के वो हो लगता होगा कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया पहले किताब छपी दूसरे पे आपको सम्मान मिल गया तो क्या ये राज परिवार का सदस्य होने का कोई लाभ हुई आपको मिला राज परिवार के सदस्य होने का सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि मेरी एक बेहतरीन परवरिश हुई पढ़ाई लिखाई हुई आ, बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि मुझे वो सब करने की सहूलियतें मिली जो मैं कर सकता था जो मैंने करना चाहा मुझे अपने पूर्वजों की आ, राज परिवार जैसा शब्द दिखता है लोगों को पूर्वजों की थाती में मुझे रिकॉर्ड प्लेयर रिकॉर्ड्स तवे बहुत सारी मैगज़ीन मिली चांद जवाहर सरस्वती मैगज़ीन्स के फाइल्स मिले प्रताप के और नवजीवन प्रेस की और मुंशी नवल किशोर प्रेस की किताबें बहुत रिच लाइब्रेरी मुझे मिली आ, संगीत का संस्कार मिला वो किससे मिले जिससे अख्तरी जैसी किताब आई कु नारायण जी जैसे व्यक्ति मिले आ, परिवार के सदस्य की तरह ही थे जिन्होंने मुझसे कहा साहित्य में क्यों आना चाहते हो तो मैंने कहा कि मैं कुछ लिख के बड़ा करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा भूल जाओ जो देश रामायण और महाभारत पढ़ के नहीं बदला वो तुम्हारे लेखन से नहीं बदलने वाला है तो मैंने कहा तो क्या मतलब है आपका तो कहते हैं कि अपने को बदल पाओ अपने मनुष्य होने की सीमा निर्धारित कर सको और उसमें उत्तर उत्तर प्रगति करो जो है अब ये अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा तो मनुष्यतर हो सकते हो तो तो आओ बाकी तुमसे कुछ होने वाला नहीं है मुझसे नहीं हुआ तुमसे क्या होगा तो ऐसे लोग मिले और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि लता जी से पारिवारिक संबंध रहे उदयपुर के पूर्व महाराजा अरविंद सिंह जी मेवाड़ और राज सिंह डूंगरपुर जी के माध्यम से लता जी के परिवार से संबंध हुआ दोस्ती हुई तो ये तो मुझे ये तो प्रिवलेज था ही जिसकी वजह से मैं उनको अप्रोच कर पाया अप्रोच करने तक का प्रिवलेज है उसके बाद आप क्या करते हैं यह आप जानिए और तमाम सारे ऐसे लोग जो मुझ मुझ मुझे आज भी शक शक्य निगाह से देखते हैं उनको लगता है कि ये तो ऐसे घर घर आने उस का उस आगा ये, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है ये तमीज़ से मिलेगा नहीं बात नहीं करेगा वो मुझे बिना जाने प्री कंसीव नोशंस उसके हैं वो तो मैं उसके लिए भी कोई सफाई नहीं देता मैं कहाँ पैदा हुआ और कहाँ जाके मरने वाला हूँ ये मैंने तय कर सकता मैं ये तय कर सकता हूँ कि मैं एक ज़िम्मेदार भारतीय लोकतांत्रिक नागरिक की हैसियत से जी सकूं और अपने लेखन से कुछ उजाला फैला सकूँ मेरे हाथ में ये है बाकी कौन मुझे किस रूप में देखता है ये मेरी दुनिया नहीं कोई हानि हुई वो फिर कभी <laughs> क्योंकि आ, वो आ, मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी इसी इसी परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ हाँ आ, उसमें कुछ ऐसी कड़वी बातें भी होंगी कि जो मैं नहीं चाहता जी वो आलोचना से बचते हैं नहीं मुझे लगता है कि आलोचना कोई करे मैं आप इतनी बात कर रहे हो पता नहीं क्या आलोचना होगी इसकी किसी की आलोचना मैं क्यों करूँ मैं क्यों किसी को जज करूँ नहीं अपनी आलोचना से मेरी आलोचना मेरे काम से की जाए जा। आ, मेरे लेखन को आप कहें कि किताब ख़राब है ये लेख खराब है और ऐसा नहीं कि सब अच्छी ही बातें करते हैं तमाम लोग कहते होंगे कह मैंने सुना भी है लिखा लिखा अब तो सब सोशल मीडिया पर आ जाता है तो मेरे रचनात्मक जीवन पर आलोचना का हर एक पाठक को अख्तियार है मेरे व्यक्तिगत जीवन पे कमेंट करने का अधिकार नहीं है मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पे करता नहीं मैं कैसे जीता हूँ खाता पीता हूँ जीवन अपना जी रहा हूँ मैं किस कठिनाई परेशानी में हूँ या मेरे क्या सुख दुख हैं वो पब्लिक डोमेन में जाने वाली बात नहीं है और मुझे लगता है ये मेरा अधिकार है बिल्कुल कि मैं उस प्राइवेसी को मेंटेन करूं बिल्कुल कोई ऐसा काम जो यतेंद्र मिश्र करना चाहते थे कर नहीं पाए लेकिन करना चाहते हैं Uh, मैंने विस्मय का बखान में लिखा है हाइपोथेटिकल बात है कि काश मैं सन सैतालीस के पहले पैदा हुआ था तो, तो मैं एक बार गांधी जी के दर्शन करता जो नहीं हो सका हो ही नहीं सकता कल्पना में मैं एम एस सुबुलक्ष्मी को सामने से सुनना चाहता था मैं उनको सुन नहीं पाया और मैं ऐसे बड़े लोगों के सोहबत में बैठ के अपनी परंपरा की कुछ बहुत प्राचीन पुस्तकों को पढ़ना चाहता था भक्ति का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमढ़ि और गोपाल तापनी उपनिषद मैंने बहुत कोशिश की है कि उसको पढ़ूं क्योंकि तो मुझे भक्ति काल की कविता बहुत प्रिय है वो मैं पढ़ना चाहता था उसके अभी अधिकारी विद्वान नहीं ढूंढ पाया हूँ कि जो संस्कृत टेक्स्ट से मुझे पढ़ा सके ये सब चीज़ें हैं लिखना बहुत कम चाहता हूँ हालाँकि ढेर सारा लिखा है पढ़ना बहुत चाहता हूँ खूब संगीत सुनना चाहता हूँ और ख़ूब अपनी मित्रताएँ बाँटना चाहता हूँ चलिए आप ऐसे ही संगीत सुनते रहें आप खूब लिखें कम ना लिखें खूब लिखें और जितना लिखें जिस हिसाब से आप गुणवत्ता पर ज़ोर देते हैं वो ज़ोर देते रहें खूब पढ़ते रहें खूब संगीत सुनते रहें ऐसे ही सृजन सृजनरत रहें बहुत बहुत शुक्रिया आपने संगत के लिए समय निकाला बहुत धन्यवाद कि आप संगत के लिए अयोध्या तक चले आए आपका बहुत आभार और अगर कोई बात आ, मेरे मुंह से ऐसी निकली हो जो किसी को हर्ट कर रही हो या जाने अनजाने किसी को आहत करती हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ मैं बहुत आभार मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम का अंत आप एक कविता पढ़ कर करें अपने को मैं विभाष से पढ़ दूँ जी ताना भरनी प्रेम का ताना विश्वास की भरनी से जीवन की बिछावन तागी थी प्रेम का ताना विश्वास की भरनी से जीवन की बिछावन तागी थी न ताना कमज़ोर था न ही भरनी थी ढीली फिर भी बिछावन भी भी थी जो फटती ही चली गई कम होता गया दिन ब दिन उसका सूत फिर भी बिछावन भी थी जो फटती ही चली गई कम होता गया दिन ब दिन उसका सूत जैसे प्रेम का जैसे विश्वास का दरक गया हो धागा अब है जो पड़ी है धरती पर फटेहाल अपना सिर उठाए जीवन है चल रहा है इसी तरह गवा चुका विश्वास थोड़ा सा प्रेम बचाए वाह वाह वा। बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जब वो बैलगाड़ी मेरे गांव पहुंची मेरे घर पहुंची तो पुलिस खड़ी थी दरवाजे पर और घर की तलाशी चढ़ चल रही थी और मेरी दादी जो विधवा थी वो दरवाजे पर खड़ी थी मैं लिखने से पहले लिखने की का जो फॉर्म है उसको नहीं तय करता मेरे लिए कंटेंट महत्वपूर्ण होता है पटना में ऐसे न जाने कितने मज़ार हैं जिन पर दाता पीर फलाना दाता पीर फलाना लिखा हुआ है जब मैं काबर झील का पाखी एक कहानी है मेरी उसको लिख रहा था तो वो बार बार जैसे आकर एकदम खड़ा हो जाता था सामने कि मुझे भी इसमें होना है यह ज़रूरी नहीं कि नाटक लिखने वाला रंगकर्म ही करे रंगमंच की समझ होना और रंग कर्म करना दोनों दो चीज़ें और मैं इसलिए भी गया कि मैं उन लोगों की भी पोल खोलूं जो रात को भोजन कर रहे हैं और वो भोजन पचा हुआ नहीं है और सुबह आप जो है सो तमाशा बती आते हैं